आज की इस वर्कशॉप कम वेबिनार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और ये पहला एक ऐसा वेबिनार है जो अपने आप में बहुत सारी चीज़ों से अलग है, बहुत सारे वेबिनार से अलग है, क्योंकि इसमें आज हम वो एक प्रयास करने जा रहे हैं कि नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें जो पाठ्यक्रम जो कोर्सेज दिए गए हैं उनको कैसे समझा जाए, और विशेष रूप से उसमें जो वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं वो उसको कैसे समझा जाए, उसके ऊपर ये आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। बल्कि परिचर्चा भी नहीं है कि उसके ऊपर दो पैनलिस्ट को हमने सादर आमंत्रित किया है कि वो हमें इस सारे विषय को थोड़ा सा स्पष्ट करें, समझाएं कि इन विषयों को हम कैसे समझें, क्योंकि अलग अलग विषयों से हम लोग हैं, कोई सोशल साइंसेज से है, कोई लैंग्वेजेस से है, कोई साइंस से है, कोई फिजिकल एजुकेशन या होम साइंस से है, तो इतनी सारी विविधताओं वाले जो लोग हैं वो कैसे इस फिलॉसफी बेस्ड जो सब्जेक्ट है, ये जो पाठ्यक्रम है, इसको कैसे वो समझें और कैसे वो आगे कम्युनिकेट करें, कैसे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, तो इस सारे विषय को लेकर के आज हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं। और इसके जो तरीका हमारा रहेगा कि लगभग पहला पौना एक घंटा, 45-50 मिनट, एक घंटा जो भी है, उसमें दोनों पैनलिस्ट जो है वो अपने अपने तरीके से जो भी उस पाठ्यक्रम के अंश हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, उनके ऊपर अपनी अपनी जो है कमेंट्स, टिप्पणियां करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको ओपन हाउस डिस्कशन में रखेंगे। जो भी आप लोगों के प्रश्न होंगे, जो भी आप लोगों की टिप्पणियां होंगी या कुछ भी होगा, उसको फिर हम लेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो इसको कंक्लूड करेंगे लास्ट में। तो इस तरह से हम इस सारे विषय को आज का हम समझते और देख रहे हैं। तो एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए सभी कॉलेजेस और सभी संस्थान, उनकी ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और विषय जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हाउ टू अप्रोच वैल्यू एडेड कोर्सेज अंडर द NEP 2020 ऑफ KUK, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जो है इस विषय में पहल की है और उन्होंने इस विषय को कॉलेजेस में लगा दिया है। और लगाने के उपरांत जैसी हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, उनको सुलझाने का ये एक प्रयास है। तो आप देख पा रहे हैं कि दो वैल्यू एडेड कोर्सेज जो हैं वो यूनिवर्सिटी की ओर से दिए गए हैं, और जहां तक मुझे लगता है कि ये भी संभावना है कि ये शायद UGC की ओर से ही शायद स्पेसिफाइड हों, लेकिन उस विषय में मुझे कोई निश्चित रूप से पता नहीं है। तो दो कोर्सेज में से एक कोर्स तो है ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स के ऊपर है, और दूसरा एथिक्स एंड कल्चर के ऊपर है। इन दोनों विषयों को, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया है कि इन विषयों के ऊपर जो हम बातचीत करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं, वो मैंने आपको संक्षेप में शुरू में बता दी है बात। और उसमें मुख्य कारण यही है कि अलग अलग विषयों के लोगों को अपना टाइम टेबल एडजस्ट करने के लिए, अपना वर्कलोड ठीक करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए उनको ये जो है वो पाठ्यक्रम दिया गया है, ये सिलेबस दिया गया है। और अपनी अपनी बैकग्राउंड होने के कारण, अपने अपने सब्जेक्ट होने के कारण, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हमारी ओपिनियन तो शायद होती है लेकिन हमें उस विषय की जानकारी नहीं होती। तो उसके बारे में ज्ञान होना और आपकी राय होना दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। और दूसरी जो इसमें एक और बड़ी मुख्य बात है, जो कि मैं पिछली स्लाइड में भी आपसे कहना चाहता था, कि इस स्लाइड के बीच में अगर आप देखें तो मैंने दो शब्द लिखे हैं, फिलॉसफी और दर्शन। ये फिलॉसफी और दर्शन इसलिए मैंने लिखे हैं क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, जिस तरह से हमने अंग्रेजी का अनुवाद हिंदी में किया है, और हिंदी की जितनी भी शब्दावली है या भारतीय परंपरा की जितनी शब्दावली है उसका अंग्रेजी में जिस तरह से अनुवाद किया है, उन दोनों ने भारतीय मानस के साथ जो है वो एक अनाचार जरूर किया है। क्योंकि जब आप फ्रीडम को स्वतंत्रता समझते हैं, रिलीजन को धर्म समझने लगते हैं, या आप नैतिकता शब्द का प्रयोग करने लगते हैं मोरालिटी के लिए, तो बहुत गड़बड़ सी होने लगती है, क्योंकि
जिस तरह से भारतीय परंपरा में इन शब्दों के अर्थ हैं और प्रयोग होते हैं, उस तरह से वो अंग्रेजी की जो अंग्रेजी का इथॉस है उसमें उस तरह से प्रयोग नहीं होते, उनकी जो पृष्ठभूमि है। इसीलिए जब वैल्यू एजुकेशन की मैंने बात की, वैल्यू एडेड कोर्सेज की, तो साथ में मैंने मर्यादा शब्द भी साथ में रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मूल्य शब्द का ऐसे प्रयोग नहीं होता, मर्यादा शब्द का प्रयोग अधिक होता है। और आपने शब्द भी सुना होगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको हमने कभी ये नहीं कहा कि मूल्यों का पालन करने वाले राम, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। हाँ, परवर्ती हिंदी में ये सारी, क्योंकि परवर्ती हिंदी जो है वो सारी की सारी अंग्रेजी से प्रभावित है, इसलिए वो सारे शब्द जो हैं उस तरह से प्रयोग में आ गए और इसके ऊपर कभी विचार किया भी नहीं गया। तो इसलिए थोड़ा सा ये हमें देखना चाहिए कि फिलॉसफी और दर्शन दो अलग अलग बातें हैं, दोनों की दृष्टिकोण अलग अलग हो जाते हैं, परंपरा अलग हो जाती है, दर्शन में देखने के ऊपर जितना फर्क है। हालांकि आगे चलकर हम उसको सिद्ध कर दें कि नहीं नहीं फिलॉसफी और दर्शन एक ही चीज होती है, लेकिन फिलॉसफी की वहां की परंपरा को अगर आप देखें और यहाँ की परंपरा को देखेंगे तो आपको वो अंतर बहुत साफ स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। तो खैर एनीवे, अभी मैं उस पर नहीं जाना चाहता, समय को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से दो तीन बातें और करना चाहता हूँ। और अपने वेबिनार्स में मैं हमेशा दो तीन बातें, दो तीन सूत्र जो होते हैं उनको मैं हमेशा दोहराना चाहता हूँ। हमारी भारतीय परंपरा में, हमारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वेस्ट का मुझे ज्यादा नहीं पता, कि यहाँ पर सारे का सारा जो ध्यान फोकस रहा है वो है चार प्रकार के प्रश्नों के ऊपर, ताकि मनुष्य जिज्ञासा करनी सीख सके। तो जिज्ञासा को परिभाषित करने के उसके चार आयाम हैं। पहला आयाम जो है वो है एकांश व्याकरणीय प्रश्न। ये सिखाए जाते थे लेकिन इसको हमने कभी फिलॉसफी में या किसी सोशल साइंस में एडप्ट किया हो मुझे संदेह है। तो एकांश व्याकरणीय प्रश्न उन्हें कहते हैं जिनका उत्तर आप हाँ या ना में देते हैं। ये ट्रेनिंग का प्रोसेस था गुरुकुलों में या बाकी शास्त्र परंपरा में। तो उस दृष्टि से अगर आप ये देखें कि क्या मूल्य या मर्यादा पर पाठ्यक्रम पे चर्चा होनी चाहिए, तो आप उत्तर हाँ या ना में देंगे। दूसरी तरह के आपके जो प्रश्न सिखाए जाते थे, क्योंकि छात्र को आपको प्रशिक्षण देना है, शिक्षा के साथ प्रशिक्षण भी देना है ताकि वो विद्या की ओर अग्रसर हो। प्रतिपृच्छा व्याकरणीय होते हैं, जिसे अंग्रेजी में आप काउंटर क्वेश्चन कहते हैं। काउंटर क्वेश्चन किस तरह से कि क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्य परक पाठ्यक्रम केवल औपचारिक और आवश्यकता मात्र है, तो काउंटर क्वेश्चन ये होगा कि क्या आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्य परक पाठ्यक्रम का व्यवहार या प्रयोग किया है। इसी तरह से तीसरा प्रश्न छात्रों को जब सिखाया जाता था प्रशिक्षण में, वो उनको कहते थे स्थापनीय प्रश्न। स्थापनीय प्रश्न का मतलब है कि असंगत, अनर्थक, अनर्गल प्रश्न, जिनको आप किनारे पे रख देते हैं, जिनका उत्तर देना आप आवश्यक नहीं समझते। जैसे कि क्या मूल्य परक पाठ्यक्रम प्रपंच मात्र अनर्थक है, आप इसका उत्तर भी देना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रश्न की कैटेगरी में ही नहीं आएगा। लेकिन छात्रों को सिखाना और समझाना बहुत जरूरी है ताकि उसमें एक आलोचनात्मक बुद्धि जो है वो विकसित हो। अब ये जो चौथा प्रश्न है, चौथी कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर सारे के सारा आपका वेद, सारे पुराण, सारे के सारे आगे की जितनी फिलोसफिकल ट्रेडिशन है वो सारी की सारी खड़ी है। उसको कहते हैं विभज्य व्याकरणीय प्रश्न। उसका मतलब क्या है कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आप सीधे सीधे नहीं दे सकते, उनकी विस्तार पूर्वक आपको चर्चा करनी है, आलोचना करनी है, समालोचना करनी है, परीक्षण करने हैं, बहुत सारे तर्क आपको देने हैं। तो इस तरह से अगर आप ये प्रश्न करें कि मूल्य परक पाठ्यक्रम का प्रारूप एवं सार क्या और कैसा है, तो इसका उत्तर आप लगभग अगले एक डेढ़ घंटे में देखेंगे। लेकिन बाकी सारे के सारी तीन कैटेगरीज जो हैं वो बहुत संक्षेप में और बहुत सीमित उनका प्रयोजन रहता है। चलिए एक चीज और मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत की ओर से इस विषय को भी देखना चाहता हूँ। बाकी तो अभी इसके बाद दोनों हमारे पैनलिस्ट इस विषय पे चर्चा करेंगे और उनसे मैं आपका परिचय भी कराऊंगा। इस सारे विषय को दो प्रकार से देखना चाहिए। एक तो भाषा के एंगल से आपको देखना चाहिए। आपकी जो भारतीय भाषाएं हैं वो भारतीय भाषाएं किस तरह की हैं, वो आप से शुरू होती हैं और क्रिया पे जाके समाप्त होती हैं। जैसे अहम से लेकर अस्मि के बीच में आप सारी दुनिया को समाहित कर सकते हैं, ये दर्शन की बात होगी,
भाषा का दर्शन इस पे खड़ा है, आपका सारा का सारा व्यवहार इस पे खड़ा है, आपकी सारी मर्यादाएं इसी चीज पे खड़ी हैं, आप जो अहिंसा की भावना है और बहुत सारे जितने मूल्य जिनकी आप बात करते हैं, ह्यूमन वैल्यूज, वो इस चीज पे खड़ी हैं कि अहम और अस्मी के बीच में आप दुनिया भर को, ब्रह्मांड को, समस्त सृष्टि को ला सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन आता है जो वस्तुतः दर्शन को क्वालिफाई करता है। ये तो हो गई बात इधर भाषा की दृष्टि से भारतीय। इसी तरह हिंदी जो है उसमें भी और बाकी भाषाओं में भी मैं हूं के बीच में आप दुनिया को ले आए, उससे बाहर नहीं आप ले जा पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अंग्रेजी की ओर जाते हैं तो यहाँ भाषा का बिल्कुल व्यवहार बदल जाता है, यहाँ आई एम से शुरू होता है और बाकी सारी दुनिया को आप अलग कर देते हैं। इसलिए वहां पर फिलॉसफी की बात शुरू होती है, क्योंकि वहां दोनों चीजों में आपको तालमेल बिठाना है। वहां पे आने वाली प्रॉब्लम्स को आप इंटेलेक्चुअलाइज करके उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, पहली बात कि लैंग्वेज की जो दृष्टि है वो दो दृष्टियां नितांत भिन्न भिन्न है। इसलिए जब भी हम एथिक्स की, मोरालिटी की, वैल्यूज की बात करेंगे तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और ये करेगा कौन? हर व्यक्ति, उसके भी तीन पक्ष हैं, इसको भी हम थोड़ा सा देख लें कि एज ए डूअर, इंजॉयर एंड नोअर, कि हर व्यक्ति के ये तीन पक्ष होते हैं जब वो एथिक्स के बारे में बात करेगा, वैल्यूज के बारे में बात करेगा या किसी भी बारे में बात करतेगा। तो कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता जिसे आप कहते हैं। अब जो दूसरा पक्ष है उसको भी देख लीजिए और इसके बाद मैं मुख्य वक्ताओं को आमंत्रित करूंगा चर्चा के लिए। दूसरा जो मुख्य बात है कि जो मुझे ऐसा प्रतीत होता है संस्कृत विभाग ने जितना थोड़ा बहुत देखा कि वहां जो ज्ञान विज्ञान और सारी चीजें विकसित हुई हैं, डेवलपमेंट हुई है वहां पे, उसमें दो मुख्य अंतरधाराएं हैं, एक तो ग्रीक और दूसरी अब्राहमिक रिलीजन से आने वाली। ग्रीक वे में क्या था, ग्रीक ट्रेडिशन में कि अचीवमेंट्स के ऊपर बहुत बल था, इसलिए वहां डेवलपमेंट और विकास की बात करना बहुत जरूरी था और अचीवमेंट को वहां सेलिब्रेट किया जाता था। इसीलिए वहां सिकंदर आपने पैदा किया और उसके आधार पे जो है वो सारी की सारी ज्ञान परंपरा आगे चलती है। दूसरी ओर जो है वहां पर वेस्ट से जो हमें मिल रहा है वो है अब्राहमिक रिलीजन्स का तरीका, जहां पे कमांडमेंट्स और डिसिप्लिन आपको फॉलो करने होती हैं और फिर जो है जो लीडर होता है वो आपको लीड करता है, एंड ही विल लीड यू टू द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। और लेटर ऑन इस अंतरधारा के चलते चलते जो है आगे चल के आप देखते हैं कि सारी की सारी फिलोसफिकल थॉट जो है वो डार्विन, फ्रायड, मार्क्स और कंपैशन ऑफ क्राइस्ट, इन सब के बीच में मिला जुला सा एक हमें तौर तरीका देखने को मिलता है वहां के व्यवहार में। और उसके परिणाम हमें ये देखने को मिले जब हम देखते हैं ही मैन के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं और वर्ल्ड वॉर्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन और मार्केट जो है ये सारी चीजें आती हैं, और इनके आधार पर आज हम एथिक्स की, ह्यूमन वैल्यूज की और कल्चर की बात करते हैं। तो जितने आपके ह्यूमन राइट्स हैं और जितने आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं वो सारी की सारी यहाँ पर विद्यमान है, इनकी ये पृष्ठभूमि बनती है। लेकिन दूसरी ओर जब आप अपनी भारतीय परंपरा को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, केवल और केवल देखने के ऊपर उनका सारा का सारा बल है। और देखना भी कैसे है, उसमें तीन पक्ष है, एक है नाचिकेतस दृष्टि जिसे आप कह सकते हैं कि करना क्या है, तीनों बच्चे हैं, उपनिषदकालीन बच्चे हैं, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन जो है मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा को परिभाषित करने की सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। जैसे वहां डार्विन, फ्रायड और मार्क्स रहे हैं, उसी तरह से भारतीय परंपरा में इन एथिकल वैल्यूज को और एथिकल बैकग्राउंड को डिफाइन करने में इन तीन बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो क्या है, नाचिकेतस की दृष्टि है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, सत्यकाम की दृष्टि है सत्य कैसे बोलना है, सत्य कथन की क्षमता कितनी है हमारे में, और तीसरा है श्वेत केतु की दृष्टि, जहां पर वो ये है कि ऐसा क्या है जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। तो ये तीन जो दृष्टियां हैं ये डिफाइन करती हैं हमारी परंपरा, हमारी ज्ञान परंपरा को, हमारे दर्शन की परंपरा को। तो इस सारी बैकग्राउंड में हम ने आज दो पैनलिस्ट को सादर आमंत्रित किया है और दोनों ने अपनी स्वीकृति दी है, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वो हमें हमारे जो आज के कोर्सेस लगे हुए हैं उनके ऊपर वो चर्चा करेंगे।
और हम अपनी अपनी दृष्टि से, अपनी अपनी समझ से इन सारे विषयों को देखेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट पैनलिस्ट हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर नमिता निम्बालकर जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, मुंबई से हैं, और इनकी बहुत विशिष्ट उपलब्धियाँ रही हैं। बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स के साथ साथ इनकी बुक्स भी पब्लिश हैं, और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो एकेडमिक जिम्मेदारियाँ हैं उनको इन्होंने स्वीकार किया और बहुत अच्छे से उनका निर्वाह भी किया। सेकंड जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर शिवानी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, और इनकी भी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल जो इन्होंने सेमिनार्स और वर्कशॉप्स जो हैं वो कर चुकी हैं। तो ऐसे दो प्रोफेसर्स को, टीचर्स को आज हमने आमंत्रित किया है कि वो हमारे साथ सबसे पहले इस विषय पे चर्चा करें। वो हमें ज़रूर, मुझे लगता है कि पहले वो हमें एक बैकग्राउंड क्लियर कर दें कि ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स का पर्सपेक्टिव क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और फिर उसके बाद हम यूनिट वन के ऊपर बात करते हैं जिसमें उन्होंने कई सारी चीज़ें दे दी हैं। ये स्लाइड मैं ऑन रखूँगा ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। जिसमें फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कोर्स इंट्रोडक्शन दिया है कि नीड कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, उसका फर्स्ट पार्ट उन्होंने अंडरस्टैंडिंग द नीड कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, दूसरा उसका पार्ट दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग पर्सनल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, फिर उसके बाद मॉरल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग हारमोनी विद सेल्फ, सोसाइटी एंड नेचर, और फिर उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकल वगैरह दिए हैं। उसके ऊपर तो फिर हम लेटर पीरियड में बात करेंगे जब ओपन हाउस डिस्कशन करेंगे, लेकिन इनिशियली जो है वो हम इस सारे विषय पे रुकेंगे और इसके ऊपर दोनों पैनलिस्ट के हम क्रमशः कमेंट्स लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो अगला जो पोर्शन है उसके ऊपर चलेंगे। तो थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए मेरे दोनों पैनलिस्ट से निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें दो कोर्सेज कवर करने हैं और हमें प्रश्न भी लेने हैं, लोगों के कमेंट्स भी लेने हैं, तो सारी बात को ध्यान में रखते हुए वो अपनी बात हमारे साथ स्पष्ट करें। तो फर्स्ट आई विल लाइक टू इनवाइट डॉक्टर नमिता जी टू रिस्पॉन्ड टू दिस ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स एंड द पार्ट्स ऑफ इट। वेलकम मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम, प्लीज अनम्यूट। थैंक यू सर, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ओवर हियर। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं दोनों मिश्र भाषा में आप सबके साथ बात कर सकूं, और जो विषय आपने लिया है कि ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, इसके संदर्भ में जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा बहुत ही मायने इसलिए लग रही है क्योंकि जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, और जैसे आपने अपने प्रस्तावना में बखूबी यू हैव अंडरलाइंड इट दैट व्हेन वी लुक एट वैल्यूज और व्हेन वी लुक एट एथिक्स और व्हेन वी लुक एट फिलॉसफी बोथ फ्रॉम द इंडियन एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, तो उसके फॉलोआउट्स कैसे रहे हैं। वो पूरी चर्चा में और ज़्यादा न जाते हुए यहाँ पर जो आपने प्रश्न जो हमारे सामने है कि व्हाट इज द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, और इसको हम किस और ये हमें किस लिए चाहिए या व्हाट इज द रीज़न फॉर इट। तो जब हम वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग है, और ये इसलिए होलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आवश्यकता हमें महसूस हो रही है कि आज जब हम 21st century की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर एक खबर आई है कि एंटार्क्टिका में जितने भी एम्पायर पेंगुइन्स हैं वो सारे के सारे एम्पायर पेंगुइन्स लगभग नष्ट से हो रहे हैं, तो व्हाट इज द रीजन फॉर इट। तो एक पॉजिटिव वैल्यूज या ये कह लीजिए एथिकल प्रिंसिपल्स या मॉरल रीजनिंग जो है वो इंडिविजुअल्स में लेकर आने की या उनको उसके बारे में जानकारी देने की जरूरत है, लेकिन ये जो जानकारी है ये हमारी एकेडमिक नॉलेज के बियॉन्ड जाती है, एंड रादर दिस फोकसेस ऑन शेपिंग द वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स, जहाँ पर कि एक ऐसे व्यक्ति के निर्माण के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जो कि दूसरों के प्रति एम्पैथेटिक रहेगा और सोशली कॉन्शियस भी रहेगा। यहाँ पर हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जब बात करते हैं
या फिर जब हम इस तरह से केसी भट्टाचार्य के विचारों के बारे में बात करते हैं या श्री अरबिंदो के बारे में बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनका जो पूरा प्रयास रहा था बिफोर द फ्रीडम स्ट्रगल, जब ये सारे थिंकर्स आए थे, ये था किस तरह से वी कैन हैव एम्पैथेटिक एंड सोशल एंड सोशली कॉन्शियस। तो ये जब हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल्स इस तरह से आए, तो उसके लिए जो कंटेंट एंड प्रोसेस और वैल्यू एजुकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सिर्फ यहाँ पर हम थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बात करते हैं और एट द सेम टाइम हम कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में भी बात करते हैं। अब जब आप कहें कि कंटेंट क्या होगा वैल्यू एजुकेशन का, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मूलभूत वैल्यूज हैं, जैसे कि हम ऑब्जेक्टिव वैल्यूज भी कहते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी है, रिस्पेक्ट है, कॉम्पैशन, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, तो ये जो मूलभूत फंडामेंटल वैल्यूज हैं, ये हमारे डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसी तरह से हमारे पास कुछ कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज हो जाते हैं जो कि विच इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर कंट्री, विच इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर रीजन। साथ ही साथ जब मैंने पेंगुइन का उदाहरण लिया था, तो एक जानबूझकर वो उदाहरण लिया था, और वो इसलिए कि एनवायरमेंटल वैल्यूज भी आजकल हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है, क्योंकि अगर सृष्टि रहेगी तो हम रहेंगे। सो द डिक्लाइन ऑफ एनवायरमेंट रिजल्ट्स इन द डिक्लाइन ऑफ ह्यूमंस और रादर ऑफ द प्लैनेट एज अ होल। सो ये जो एनवायरमेंटल वैल्यूज है, ये भी टेकिंग गुड केयर ऑफ द प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। साथ ही साथ हमारे पास जब हम वैल्यूज के बारे में बात करें और अगर हम उसके क्लासिफिकेशन के बारे में और बात करना चाहें, जो कि सिलेबस में बहुत ही बखूबी बताया गया है, तो कुछ कहीं पर हमारे पास आ जाते हैं सिटीजनशिप एंड सिविक वैल्यूज। तो जैसे कि हम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लें, या डेमोक्रेसी की, या फिर जस्टिस की, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी एंड सोसाइटल इश्यूज। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर अभी विराम लेती हूँ एंड आई विल लेट शिवानी टू गो अहेड विद इट। जी मैम, शिवानी जी अनम्यूट करें अपने को। हाँ, थैंक यू प्रोफेसर नमिता एंड थैंक यू द टीम ऑफ एसटी कॉलेज फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर आवर व्यूज एंड सम रिफ्लेक्शंस रिलेटेड टू दिस न्यू कोर्स। जैसा कि मेरे प्रेडिसेसर स्पीकर ने और जैसा कि इंट्रोड्यूस किया गया थीम को, तो इसमें मुझे लगता है कि जब हम ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स के डिस्कोर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए कि ये वैल्यूज़ का जो जगत है ये बना किसके लिए है। ये पशु के जगत के लिए ये कोर्स नहीं है, ये मनुष्य जगत के लिए ये कोर्स बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मनुष्य के स्वभाव को हम समझें, सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि मनुष्य क्या है, मनुष्य होने का अर्थ क्या है। तो सारा, जैसे आपने बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस भेद से कि फिलॉसफी और दर्शन में कुछ मौलिक अंतर है, लेकिन क्योंकि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ यू नो डिसेमिनेटिंग नॉलेज एंड आइडियाज, इनको हम एक बास्केट में फॉर द टाइम बीइंग रख रहे हैं। तो फिलॉसफी की परंपरा में, या हम कहें कि जो फिलॉसफी की जो ट्रेडिशन है, उसमें जब हम ये देखते हैं कि ये एथिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ मैन, या कॉन्सेप्ट ऑफ मैन को जनरली जब हम फिलॉसफी में एनालाइज करते हैं, तो हम उसको सोशल एनिमल कह के बंद नहीं कर देते, उसका जो बक्सा है उसको बंद नहीं करते हैं। और उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत जो ग्रीक थिंकर्स हैं, और ग्रीक थिंकर्स क्या, अगर हम अपनी भारतीय परंपरा में भी देखें तो बहुत स्पष्ट हमें डेफिनेशन मिलती है मनुष्य की, कि मनुष्य वो है जिसमें इच्छा इच्छा शक्ति है, जिसमें कुछ करने की शक्ति है, और जो एक सीकर है, जो ज्ञान को अनुभूत करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मतलब उसमें एक एस्पिरेशन की भावना जो है, इंस्पिरेशन नहीं, एस्पिरेशन, एस्पायर करता है वो कि
कुछ एक गोल्स हैं उसके लाइफ में, और यहीं से पुरुषार्थ की बात भी हमारे सामने उभर कर आती है कि पुरुषों के मतलब मनुष्यों के अर्थ, मनुष्यों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो पशुओं के लिए नहीं है। धर्म का अर्थ काम और मोक्ष की जो कल्पना है वो मनुष्य के समाज के लिए की गई है। तो इससे सिद्ध ये होता है कि मनुष्य होने का भाव क्या है और ये एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज या ह्यूमन वैल्यूज कैसे मनुष्यों के लिए है। तो उन मनुष्यों के लिए है जो विचारशील हैं, जिनमें विचारशीलता का अर्थ क्या है कि एक कस्टमरी मोरालिटी हमारे भीतर चली आ रही है कि बचपन से हमें ये कहा गया ऐसा ऐसा करो, ये नहीं कि उसका कोई लाभ नहीं है या उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका बहुत बहुत महात्म्य है कि अगर हम अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से शब्दावली भी, अगर हम देखिए हमारी भाषा भी, हम अपनी भाषा के लिए भी कितना निर्भर करते हैं अपने बड़े बुजुर्गों पे और वृद्ध व्यवहार पे कि भाषा तक हम उनसे सीखते हैं, तो मूल्य भी सीखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मूल्य हम लेकर पैदा हुए हैं, मूल्यों का भी कहीं ना कहीं निर्माण होता है। तो भाव मेरा ये है कि मूल्यों का संदर्भ जब आएगा तो वो मानव समाज के लिए ही आएगा, और मनुष्य होने का अर्थ है एन एंटिटी, एन इंडिविजुअल, अ पर्सन हु कैन थिंक, और नॉट ओनली थिंक, हु हैज अ डिजायर, हु विल्स, हु एक्ट्स, हु विल्स टू एक्ट, एंड ऑल्सो हु सीक्स नॉलेज। तो ये तीन मुझे लगता है कॉर्नर स्टोन्स हैं मनुष्य के, कि उसमें एक इच्छा है, उसमें उस इच्छा को एग्जीक्यूट करने की पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, और उस क्रिया से ऊपर जाकर कहीं ना कहीं वो क्रिया भी छोड़ देना चाहता है। और इसीलिए अनासक्ति की कल्पना की गई है कि कर्म में बहुत आसक्ति होने लगती है, उसमें फल में आसक्ति होने लगती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उससे ऊपर जब उठते हैं तो ज्ञान के प्रति रुचि बनती है, और ज्ञान जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। जब आपको ये पता चल गया कि सच बोलना चाहिए, तो फिर आपको झूठ आप चाहे बोले, लेकिन ज्ञान आपको परेशानी में डालेगा, ज्ञान आपको सुख नहीं दे सकता, ज्ञान आपको प्रसन्न नहीं कर सकता। तो प्रसन्न होना आपके सिलेबस में मैंने देखा बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं, लेकिन बहुत कुछ मिसिंग है। मैं इसमें आपके सिलेबस को देखते हुए देख रही थी कि वहां पे रित की कल्पना नहीं है, ऋण छूट गया है, अनासक्ति छूट गई है। ये कुछ एक बड़े कॉर्नर स्टोन्स है जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में नैतिकता की बात करना चाहे, तो मुझे लगता है कि, और फिर ग्रीक में भी आप ग्रीक फिलोसफी में भी देखिए, वो बार बार सोक्रेटिस बोलता है नॉलेज इज वर्च्यू, है ना। वो ये नहीं कह रहा कि प्लेजर इज वर्च्यू, नॉलेज क्यों, क्योंकि नॉलेज बड़ी कमबख्ती है, नॉलेज आसानी की चीज नहीं है। और फिर वो ये भी बोल रहा है इट इज बेटर टू बी अ डिससैटिस्फाइड मैन देन टू बी अ सैटिस्फाइड पिग, मतलब जो पशु है वो कीचड़ में रह के भी उतना ही खुश है, लेकिन मनुष्य जो है वो हमेशा डिससैटिस्फाइड ही रहेगा, और उसे रहना भी चाहिए ये, क्योंकि उसी का पोटेंशियल है कि वो असंतोष में जिए। और वो असंतोष किस चीज का, ज्ञान के प्रति, चीजों के प्रति नहीं, प्लेजर के प्रति नहीं है। और एरिस्टोटल में जाएंगे तो वहां पे भी यही आपको मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रीक और इंडियन की समस्या नहीं है, मनुष्य में नैतिकता एम्बेडेड है, है ना। मनुष्य की, वो कहता है इंसान की बदबख्ती भी अंदाज से बाहर है, कि अंदाज से बाहर है कि मनुष्य है क्या, उसकी ये बदबख्ती देखिए, उसकी बदकिस्मती देखिए कि खुदा होकर बंदा नजर आता है। आदमी में है इतना पोटेंशियल कि वो भगवान का निर्माण उसी ने किया, शायद ऐसा भी माना जाता है। मतलब ये दोनों परिप्रेक्ष्य ही है, कोई मैं इसमें स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ कि मतलब वो बंदा जो है हमें बंदा बन के नजर आ रहा है, लेकिन है तो उसमें पोटेंशियल खुदा होने का। तो ये चीजें मुझे लगता है, और सिर्फ यही नहीं, कहीं ना कहीं मुमकिन नहीं कि मिले एक सा जवाब, कि हमें पता है कि आप और मैं जब एक डायस पे आ गए, एक टेबल पे हम बात करने के लिए इकट्ठे हो गए, तो प्रोबेबिलिटी है कि हमारे आंसर्स अलग हों, लेकिन फिर भी आओ चलो सैर करें कोह दूर। तो ये भाव जो है मुझे लगता है ये सिर्फ मनुष्य जगत में है, और एथिक्स का कोर्स भी केवल मनुष्यों के लिए है, ह्यूमन वैल्यूज का संदर्भ, उसकी सिग्निफिकेंस केवल मनुष्यों के लिए ही बनती है। तो उस कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं कि नीड क्या है, इसकी क्या जरूरत है, तो सबसे पहली बात यही आती है कि नीड इसलिए है क्योंकि हम एक ऑर्डर, एक व्यवस्था, एक समाज का हिस्सा है,
हम अब हवा में नहीं जी रहे हैं, हम एक वैक्यूम में नहीं है, हम कोई ऐसी स्पेस में नहीं है जहां पे मेरा दूसरे से टकराव नहीं होगा। तो समाज में रहने का अर्थ यही होता है कि जहां पर जब लॉ ऑर्डर, ये और ये लॉ ऑर्डर की कल्पना कहीं रित से जुड़ी हुई है, ये कोई मनुष्यों का नहीं है, ये मनुष्य की इंस्टिंक्ट जो उसको प्रकृति से मिल रही है, क्योंकि प्रकृति में भी हमें कहीं ना कहीं ऑर्डर देखने को मिल रहा है। ये ऑर्डर आजकल नष्ट होता हुआ हमें शिमला कसौली तक चला आ गया है, ये नुकसान हमारा। तो कहीं ना कहीं ये जो बिल्डिंग्स बह रही हैं ऊपर से बहती चली नीचे की तरफ आ रही हैं, उसका अर्थ है कि प्रकृति के संयम को मनुष्य जो है वो बार बार चैलेंज कर रहा है, और इस चैलेंज में कहीं ना कहीं प्रकृति अपने आप जवाब दे रही है कि मुझे मत छेड़ो, अगर आप छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दूंगी। और यही भावना कहीं ना कहीं हमें भगवत गीता में मिलती है, यज्ञार्थ भाव, कि आप यज्ञ करते रहें, प्रकृति को रिकग्नाइज कीजिए कि एक वहां पर कोई प्रकृति चीज है जिससे आप कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन रखेंगे, आप रेसिप्रोकेटिव रिलेशन रखेंगे। तो नीड तो जी बहुत बड़ी है इस कोर्स की, लेकिन इसको इसका मुझे ऐसा लगता है कि भारतीयकरण करने की बहुत आवश्यकता है। जी इसमें वो मूल्य डाले जाएं जो भारतीयता के साथ सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, जैसे रित, जैसे ऋण, जैसे अनासक्ति। लोक संग्रह आपने डाला है, नो डाउट, मुझे लगता है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है आप लोगों का। तो इस बात के साथ मैं अपनी आगे बात रखूंगी। जी आप जी जी शुक्रिया। ये पर्सपेक्टिव जो आपने दिया है और इसकी जो जस्टिफिकेशन आपने दी है, मुझे लगता है कि हमारे हम सभी के लिए और हम हमारे सभी साथियों के लिए बड़ी ज़रूरी है। और निश्चित रूप से इस दृष्टि से जब हम इस कोर्स को देखेंगे तो इसका जो अपना मूल्य है वो हमें समझ में आएगा। अब इस कोर्स के बीच में जो इन्होंने दिया हुआ है, इसके ऊपर कोई अगर आप बहुत संक्षेप में टिप्पणी करने चाहें तो ये जो दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, वैसे मैडम ने बात नमिता जी ने करी दी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू, एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सनल एंड सोशल वैल्यूज, इस पे बात हो गई है। मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग हार्मनी विथ सेल्फ, सोसाइटी एंड नेचर। इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप लोग एक ब्रीफ कमेंट देखिए, अगर आप मैं लोग। इसमें रित के कॉन्सेप्ट को मैं बार बार, मैंने पहले भी कहा कि प्रकृति, ये नेचर जब हम बोल देते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता, हम अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाते भी नेचर में क्या चीज है। तो नेचर में सबसे प्रथमो देवता सूर्य, पहला देवता आपका जो है प्रकृति में वो सूर्य है। अब आप नेचर कहेंगे ना तो नेचर से ऐसा शब्द लगता है कि प्रकृति क्या है, पर्वत पहाड़, और जैसे कि नमिता जी ने अभी पहले बात की कि वहां पे एंटार्क्टिका में वो एक स्पीशीज जो है वो खत्म होने की कगार पर है, वो बिल्कुल चिंताजनक विषय है। लेकिन हमारे सामने सामने क्या चीजें आती है, मुख्य रूप से क्या आता है, नेचर में एक ऑर्डर है, प्रकृति जो है एक ऑर्डर में चल रही है, और उसको जैसे ही हम डिसहार्मनी, हार्मनी और डिसहार्मनी, ये दोनों अपने तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसी प्रकृति से हम नियम सीखते हैं कि एक बरसात आई, बरसात के बाद फिर शिशिर, कितनी ऋतुएं हैं, 6 ऋतुओं तो हम मान के चल रहे हैं, है ना। लेकिन आप वेस्ट में देखेंगे तो ये 6 ऋतुएं बहुत स्क्वीज होके मैक्सिमम 3-4 ऋतुएं बनती हैं। तो कहने का भाव ये है कि प्रकृति के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप हम कैसे एस्टैब्लिश करें। वेदों में देखिए आप कितने रेफरेंसेस मिलेंगे, वरुण और मित्र वो राइटियसनेस के इंक्रीजर्स माने जाते हैं, कि जो राइट का पाथ है ना, जो आपका जो ऋजु मार्ग है उसकी कुटिल मार्ग की कहीं कल्पना नहीं की जाती, जो सही मार्ग है उसके वो समर्थक हैं, सरलता के समर्थक हैं। वरुण मित्र और अग्नि, अग्नि को तपस्या से रिलेट किया गया। तो मुझे लगता है कि नेचर में आप लोगों को थोड़ा इलैबोरेट करना चाहिए उन टीचर्स को कि इस नेचर का संदर्भ जो है हमारे जो महाभूत हैं वो उनसे कहीं जुड़ा हुआ है। मेरी मेरे नेचर में, मेरी प्रकृति में आकाश भी मेरा हिस्सा है, पृथ्वी भी मेरा हिस्सा है, जल तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, और वो अग्नि तत्व सिर्फ मेरे घर में नहीं है, गैस पे नहीं है, वो सूर्य के रूप में बाहर है और वो पूजनीय है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको अर्घ्य दें जाकर, लेकिन जी उसको जी आप जी
तरह रिकॉग्नाइज करेंगे। सुबह उठते हुए आप कोई मंत्र बोल रहे हैं, है ना, जो हम बोलते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय। अब देखिए ये अपने आप में पूरा एक अपनी पूरी फिलॉसफी एम्बेड है इसमें, कि कहीं ना कहीं ज्ञान और सूर्य एक ही है। सूर्य का भी यही फंक्शन है कि आपको अंधकार से निकाल के लेके जाता है, और ज्ञान का भी यही फंक्शन है कि वो आपको अंधकार में रहने नहीं देगा। राइट, तो इस संदर्भ में मुझे लगता है इसको हमें मैडम नमिता, आप कुछ इसके ऊपर कमेंट और करना चाहेंगे, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अपने को अनम्यूट कर ले मैम। हाँ जी बिल्कुल, मैं कुछ इसमें कमेंट करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न ये है कि मॉरल वैल्यूज और स्पिरिचुअल वैल्यूज, इनके बीच के अंतर या फिर इन दोनों को हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो जब हम मॉरल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं तो फिर लेकिन देयर इज अ होल लॉट ऑफ अ डिफरेंस ओवर हियर, कि नैतिक मूल्य या फिर ये कह सकते हैं कि नैतिक सिद्धांत ऐसे होते हैं, जैसे कि शिवानी जी ने कहा है कि हमें ये बताते हैं कि मानव आचरण में क्या सही है और क्या गलत माना जाता है, और फिर ये हमारे कॉन्डक्ट जो है ह्यूमन कॉन्डक्ट को डिसाइड करता है, और फिर इसके बेसिस पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक फ्रेमवर्क बन जाता है जहाँ पर कि हम एथिकल डिसीजंस लेते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो सामाजिक रिश्ते हैं उनको संचालित करने के लिए भी एक प्रकार की जो रूपरेखा है वो हमें मॉरल वैल्यूज के द्वारा मिल जाती है। अभी इस कौन से वैल्यूज है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं क्लासरूम्स में, या फिर जिसके ऊपर हम इन डिटेल कर चर्चा कर सकते हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ऑनेस्टी आ जाती है, साथ ही साथ कॉम्पैशन आ जाता है। तो जब हम कॉम्पैशन की बात करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि ब्रह्म विहार आपके सिलेबस में है, वहाँ पर भी हम करुणा करके उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, तो कॉम्पैशन बिकम्स अ मॉरल वैल्यू ओवर देयर। रिस्पेक्ट और ट्रीटिंग अदर्स विद कंसिडरेशन, वो एक आ जाता है। सत्यनिष्ठता जो है कि किस तरह से चुनौतियों का हमें सामना करते हुए भी नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, दैट विल कम अंडर मॉरल वैल्यूज, और इस तरह से और दो चार मॉरल वैल्यू, लेकिन देयर इज अ होल लॉट ऑफ अ गैम्बिट ऑफ मॉरल वैल्यूज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अकाउंटेबल फॉर वंस एक्शंस एंड डिसीजंस आ जाता है, या फिर काइंडनेस जो है वो भी एक मॉरल वैल्यू के तौर पर आती है, केयरनेस एक मॉरल वैल्यू के ऊपर आ जाती है। अब हम इसको आध्यात्मिक समझने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि इट इज वेरी मच डिफरेंट। आध्यात्मिक मूल्य जो है वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इट इज एसोसिएटेड विद डीपली रूटेड बिलीव्स, और ये जो डीपली रूटेड बिलीव्स हैं इट ट्रांसेंड्स द मटेरियल एंड टेम्पोरल एस्पेक्ट्स, कि यहाँ के जो हमारे हम जिस आप ये शब्द थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन भोग विलास की जो जिंदगी है उस जिंदगी से परे जाने के लिए हमें ये आध्यात्मिक वैल्यूज जो है, स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है, इनकी आवश्यकता लगने लगती है। सो इट इज ट्रांसेंडिंग द मटेरियल एंड टेम्पोरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये स्पिरिचुअल वैल्यूज हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये एक हमें दिशा देते हैं, और ये दिशा किस डायरेक्शन में होती है कि हम एक अर्थ यानी कि मैं अहम, जिसके बारे में आपने बात की थी शुरुआत में कि हाउ डू आई रियलाइज माई सेल्फ, और ये जो हाउ डू आई रियलाइज माई सेल्फ टू द जर्नी ऑफ अहम ब्रह्मास्मि की जो जर्नी है उसके लिए ये स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण होने लगते हैं, और इट हेल्प्स द इंडिविजुअल इन अंडरस्टैंडिंग वन्स पर्सनल बिलीव्स, या फिर एक तरह से इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू हैव फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन। अब इस स्पिरिचुअल वैल्यूज में कौन से वैल्यूज आ जाते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि लव एंड कंपैशन विच इज देयर, दैट बिकम्स अ गाइडिंग फैक्टर ओवर हियर, दैट लाइक मैं अपने स्टूडेंट्स को ये हमेशा उदाहरण देती हूँ कि अपने परिवार के लोगों के साथ प्रेम और करुणा की भाव होना ये तो सभी के लिए आसान हो जाता है, बट वेन यू हैव टू एक्सपांड द होराइजन ऑफ लव एंड कंपैशन, सो हाउ डू यू डू अबाउट इट, सो देयर हैज टू बी फॉरगिवनेस। तो जब तक फॉरगिवनेस नहीं रहेगी, लव एंड कंपैशन नहीं रहेगा, ह्यूमिलिटी नहीं रहेगी, बुद्धिज्म माइंडफुलनेस के ऊपर बहुत जोर देते हैं, तो माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंस नहीं रहेगा,
या फिर इसी के साथ साथ जब हम और भी वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आजकल नई जनरेशन के साथ, न्यू जनरेशन के साथ बात करें, तो हम उनके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे मिनिमलिज्म या डीक्लटरिंग ऑफ योरसेल्फ। सो नाउ व्हाट इज दिस डीक्लटरिंग? सो इट इज नथिंग एल्स बट सिंप्लिसिटी। सो मुझे ऐसे लगता है कि जब हम हमारे ये स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शंस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनकी जो वोकैबुलरी है उसको भी क्लासरूम टीचिंग में जब हम यूज करते हैं, तो ये जो वैल्यूज हैं ये हम उन तक ज्यादा आसानी से लेकर जा सकते हैं। और उनकी जो भाषा है, आज की जो यंग जनरेशन की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उस भाषा में अगर हम इन नैतिक मूल्यों को उनके पास तक लेकर जा सकें, तो ये जो डिफरेंस है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, एंड हाउ द टू ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये इन दोनों के बीच में एक इंटरकनेक्शन है। तो इस इंटरकनेक्शन को भी हम क्लासरूम में आपके इसमें दिखाया गया है कि देर आर प्रैक्टिकल्स विच आर गोइंग टू टेक प्लेस, देर आर वेरियस थिंग्स विच आर गोइंग टू टेक प्लेस। तो मेरा यहाँ पर लेकिन आई वुड अंडरलाइन इट, आई वुड सजेस्ट कि लेकिन लेट देयर बी लॉट ऑफ स्पेस फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सपेरिमेंट विद इट, इन द सेंस कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड देम। अगर हम उनको ये कहें कि एक पर्टिकुलर विषय देखकर उनको कहें कि इसके ऊपर ही असाइनमेंट लिखना है, तो इट बिकम्स अ कट कॉपी पेस्ट सिचुएशन। सो रादर देन हैविंग अ कट कॉपी पेस्ट सिचुएशन, वी कैन गिव वेरियस वेज in which they can bring out the dimensions of moral values and spiritual values. जी, थैंक यू मैम। चलिए फर्स्ट पार्ट के ऊपर, फर्स्ट यूनिट के ऊपर हमने ये बात समझी है और सेकंड यूनिट की ओर चलते हैं। और ये इंटरव्यू सर, ये हम बाद में लेंगे सर, पहले एक बार ये कोर्स कवर कर लें पूरा, और फिर उसके बाद अभी तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। एक्चुअली क्या जी, मैं सिर्फ 2000 प्रश्न रखना चाह रहा था दोनों पेरेंट्स से, ताकि वो उनका बाद में जवाब दे सके। जी, उसको हम ओपन हाउस में लेंगे, एक बार पहले हम पूरे कोर्स समझ लेंगे, क्योंकि कोर्स का अंदाजा नहीं हो पाएगा। नहीं, अगला जो सेकंड यूनिट है ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स का, वो है मीनिंग एंड नेचर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, हालांकि कुछ पार्ट तो कवर हो ही गया है, रिलेशन between values and ethics, relevance of human values, integrity, empathy, लोक संग्रह, ब्रह्म विहार एंड थ्योरी ऑफ न्याय। ये बड़ी मजेदार बात है कि अंग्रेजी वाले इस न्याय का न्याय न्याय करके पता नहीं क्या कर रहे हैं, और जैनिज्म में उस अनेकांतवाद का क्या कर दिया उन्होंने। और तो इसी तरह से डियोन्टोलॉजी, वर्चू एथिक्स, यूटिलिटेरियनिज्म, इनके ऊपर बहुत संक्षेप में टिप्पणी, क्योंकि थोड़ा समय, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे जितने प्रतिभागी वो सवाल ज्यादा पूछना चाहते हैं, तो अगर आप दोनों थोड़ा जी जी के ऊपर टिप्पणियां करेंगे तो फिर जरा सवाल जवाब हम लोग कर सकेंगे। ठीक है, तो मीनिंग एंड नेचर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज पे हम इस तरह समझा सकते हैं कि मीनिंग ऑफ वैल्यू मीन्स मीनिंग ऑफ लाइफ। आप वैल्यू को लाइफ के साथ इक्वेट अगर कर देंगे, तो सीधा सीधा मीनिंग ऑफ लाइफ इज नथिंग बट मीनिंग ऑफ वैल्यू। तो लाइफ को आप क्या समझते हैं, सबसे पहले हम उसको देखें। तो लाइफ को समझाने के लिए मुझे ऐसा लगता है इस सेक्शन में जहां पे भी ये सिलेबस बनाया गया है, उनको कहा जाए कि पुरुषार्थ के कॉन्सेप्ट को डाला जाए, जरूर डाला जाए, क्योंकि लाइफ इज पुरुषार्थ। ठीक है, आप जिस उम्र में हैं उस उम्र का एक पर्टिकुलर पुरुषार्थ है, और उसके संदर्भ में आप अपना जीवन जीते हैं। ब्रह्मचर्य है तो आप पढ़ रहे हैं, गृहस्थ में है तो आप अपने गृहस्थ आश्रम को निभा रहे हैं। तो आश्रम व्यवस्था बहुत सिग्निफिकेंट है भारतीय मानसिक पटल के ऊपर अगर हम देखें। और उसी तरह से वानप्रस्थ भी इम्पोर्टेंट है। वानप्रस्थ वो तैयारी है जो संन्यास के लिए बहुत आवश्यक है। और आप ध्यान दीजिए कि पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था जो है ये कहीं ना कहीं बहुत इंटरलिंक्ड है। जैसे कि अभी नमिता जी ने भी कहा कि आपका जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है और मॉरल वैल्यूज को बहुत अलग नहीं है। कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता अगर वो इमोरल है, उसके लिए इमोरालिटी जो है इट डज नॉट लीड टू एनी स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो मॉरल और स्पिरिचुअल ये एक ही स्टेज, मतलब एक ही चीज के दो पहलू हैं। तो उसी तरह से
आपके जो पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये आपके वैल्यूज हैं, ये आपके, और ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये मैं ही कर सकती हूँ, ये मनुष्य के रूप में मैं ही इनको रियलाइज कर सकती हूँ। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य अपने पोटेंशियल को हमेशा रियलाइज करने के लिए तत्पर रहता है कि वो क्या कर सकता है अपने जीवन में। तो एक बहुत आशावादी संदर्भ है पुरुषार्थ के कंटेक्स में। और एक बस छोटी सी और चीज कि ब्रह्म विहार, जैसे अभी पहले भी स्पीकर ने बताया कि ब्रह्म विहार में करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये सब वैल्यूज ही तो हैं हमारे की। आप जो उपेक्षणीय है उसको उपेक्षा कर दीजिए, जो छोटी छोटी बातें हैं उनको उपेक्षा करके चलें, और स्पेशली जब आप आगे चल के अपने प्रोफेशनल एथिक्स का एक यूनिट है शायद आपका, तो उसमें जो टीम वर्क है वो किया ही नहीं जा सकता अगर आप उपेक्षा नहीं कर सकते कुछ एक चीजों की। और फिर लोक संग्रह, बहुत सी चीजें आपको लोक कल्याण के लिए करनी पड़ती हैं ताकि जो आपके आने वाली जो जनरेशन हैं दे कैन फॉलो यू योर फुटस्टेप्स, कि भाई मेरे बड़ों ने भी ऐसा ही किया था ऐसे क्राइसिस में। तो वो चीज मुझे लगता है कि लोक संग्रह अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट, भगवद गीता से आपने लिया है, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट एथिकल कॉन्सेप्ट है। और एम्पथी, इंटेग्रिटी, देखिए एक व्यक्ति की इंटेग्रिटी यहाँ मसला नहीं है, पूरा देश, पूरा समाज, पूरे मुझे लगता है कि एक राष्ट्र की अपना एक चिंतन और राष्ट्र का एक जिसे कहते हैं साइकोलॉजी, ये वहां पर, यहाँ पर शायद ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इंटेग्रिटी एक इंडिविजुअल वर्चू के रूप में तो है ही है, लेकिन उसको समाज में आप कैसे बढ़ाएंगे वो सिर्फ तब होगा जब आपके घरों से ये काम शुरू होता है कि आपकी ट्रेनिंग के हिस्से के रूप में ये इंटेग्रिटी, आपके छोटे छोटे डिसीजन से बच्चे को ये कहा जाए कि नहीं आप सच बोलें। और ऐसे कंटेक्स्ट में सत्यकाम जाबाल का जो संदर्भ है वो बहुत सिग्निफिकेंट बनता है कि वो सत्यकाम को ये पता नहीं है कि वो किसकी संतान है, लेकिन माँ ने उसको ये सच कहना सिखाया कि जिस भी गुरु के आश्रम में तुम जाओ बस ये बोलो कि मुझे नहीं पता मेरी माँ ने मुझे कहाँ से ग्रहण किया है, लेकिन मैं उनका बेटा हूँ इसलिए मैं जाबाल। तो उसको ये, उसने ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने की जो परंपरा हमारे यहाँ रही कि नहीं तुम सत्य बोलते हो इसलिए तुम ब्राह्मण ही हो सकते हो, वो ये नहीं कह रहा कि ब्राह्मण वो है या कौन है, उन्होंने ये डिफाइन कर दिया कि जो सच बोलता है वो एक ब्राह्मणिक कैरेक्टरिस्टिक है उसका, सच बोलना से ही ब्राह्मण बनते हैं, ना कि जाति से आप ब्राह्मण है। तो ये चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ी सिग्निफिकेंट है। और एम्पथी, जैसे हम ये जानते ही हैं कि अगर हम किसी के पर दुख में पर दुखे उपकार करें तो है मन अभिमान नारने रे, ये गांधी का पूरा वैष्णव जन तो देने का ही, तो एम्पथी तो बहुत ही स्वाभाविक रूप से है। और ये नए का जो संदर्भ है मुझे लगता है ये एक ओपन स्पेस देता है कि समाज में हर तरह के विचारधारा वाले लोग हैं, और नए का अर्थ यही होता है कि जहाँ पर पर्सपेक्टिव्स हैं, अनेकांतवाद है, कि हर तरह की सोच वहाँ विद्यमान है तो उसको अकोमोडेट भी करेंगे हम, उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, और कहीं ना कहीं यहीं से हम एम्पथेटिक बनने की कोशिश होती है। तो जैनिज्म का ये थ्योरी नए जो है, नएवाद की शायद की परंपरा, कि शायद चीजें ऐसी हैं, शायद चीजें ऐसी हैं, शायद चीजें ऐसी नहीं हैं, तो क्योंकि पूरी तरह से हम चीजों को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते, समझ कुछ कम रह जाती है, तो वो कहते हैं ना दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला, है ना। तो ये कहीं ना कहीं नए का भाव सिर्फ इतना ही है कि भाई हमारे जोड़े चीजें जुड़ती नहीं है, कुछ कमी रह जाती है। और डीओंटोलॉजी एक बड़ी सिग्निफिकेंट परंपरा है वेस्ट की, कांट इसके प्रतिपादक हैं, जो कहते हैं फर्ज को फर्ज के लिए कीजिए, उससे कुछ अपेक्षा मत कीजिए कि भाई मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ इसमें से मिलेगा, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका कर्तव्य है। और भगवद गीता भी यही कहते हैं, मेरे को बहुत हैरानी है कि यहाँ डी ऑन्टोलॉजी क्यों लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता क्यों नहीं लिखा गया, हमें क्या शर्म आती है ये चीज कहते हुए कि भगवद गीता डी ऑन्टोलॉजी की माँ है, वो यहाँ से उत्पन्न होता है जब कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि तुम कर्म करो नहीं तो आने वाली पुश्तें तुम्हारे ऊपर लांछन डालेंगी कि इसने अपने समय पर काम नहीं किया ठीक से। तो ये डी ऑन्टोलॉजी का भी यही है कि आप अपने ड्यूटी फॉर इट्स ओन सेक,
इससे आप ये और गुडविल से कीजिए, ये सोच के कीजिए ये मेरा धर्म है। तो गुडविल कांट का एक कॉन्सेप्ट है, आउट ऑफ गुडविल कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, जो आपके करने लायक काम है वो आपको करने ही चाहिए, आउट ऑफ गुडविल करने चाहिए, ये सोच के नहीं कि भी मेरे को इसमें कुछ तगमा मिलेगा। और वर्च्यू एथिक्स जो है एरिस्टोटल का दिया हुआ है, वहां पर वो प्लेटो भी कहते हैं कार्डिनल वर्च्यूज हैं कुछ। और वर्च्यू की और वैल्यू की डेफिनेशन देखिए कितनी खूबसूरत है, वैल्यू इज समथिंग विच यू मस्ट फॉलो एंड वर्च्यू इज द वे हाउ यू फॉलो इट। तो वर्च्यू वो है जो आप अपनी जिंदगी में उतारते हैं, और वो क्या है, मुख्य रूप से कार्डिनल वर्च्यू चार ही हैं, जस्टिस करेज विजडम एंड टेम्परेंस। आप में न्याय कर, और जस्टिस का मतलब है फेयर रहना, जस्टिस का कहीं कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं है कि आप किसी को न्याय डिलीवर करने चले हुए हैं। आप अपने आचरण में फेयर रहिए, आप अपने आचरण में न्यूट्रल रहे, या जैसे भी कहे राइटियस एक वर्ड आता है बड़ा, राइट से बना है सही होने से, तो सही होना जो है वो यहाँ पे पहला है, जस्टिस करेज। आप करेज और वर्च्यू की एक और बहुत अच्छी डेफिनेशन जो एरिस्टोटल देते हैं वो ये देते हैं, इट इज अ मीन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, दो एक्सट्रीम्स के बीच में से जो मध्यपात, वो जैसे बुद्ध ने भी कहा मध्यम प्रतिपदा की मिडिल पाथ जो है, इट इज अ गोल्डन मीन, दो एक्सट्रीम्स के बीच में आपका एक गोल्डन मीन जा रहा है जो वर्च्यू कहलाता है। तो वर्च्यू आपको कभी भी एक्सट्रीम में नहीं जाने देगा, आप मिडिल पाथ रहेंगे हमेशा। और यूटिलिटेरियनिज्म, बेंथम, मिल, ये सारी थ्योरीज जो हैं वो यही कहती हैं, हेडोनिज्म से इसकी कहीं ना कहीं उत्पत्ति हो रही है। और बेंथम मिल तो ये कहते हैं कि, और बड़ी अच्छी थ्योरी है कि आपकी जो हैप्पीनेस है वो सिर्फ आपके लिए नहीं, समाज, पूरा समाज हकदार है उसमें, एक एक व्यक्ति उसमें कहता है एक एक व्यक्ति काउंट होना चाहिए जब आप हैप्पीनेस को काउंट कर रहे हैं, कि भी समाज को, पूरे समाज को हम खुश करें, या समाज के प्रति जो हमारी ये भावना है, तो हर एक व्यक्ति अधिकारी है प्रसन्न रहने का, खुश रहने का, स्वस्थ रहने का उसका अधिकार है। तो यूटिलिटेरियनिज्म बेंथम और मिल के संदर्भ में जब हम समझाते हैं तो मुझे लगता है ये बड़ी सिग्निफिकेंट थ्योरी है, लेकिन इसको हम बहुत रिड्यूस करके उसका रिडक्शनिस्ट फॉर्म दिखाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं है। सो दीज आर माई ओपिनियंस। थैंक यू। नाउ मैम, ओवर टू डॉक्टर नमिता। हाँ जी सर, थोड़ा सा जो शिवानी जी ने कहा है उसी को थोड़ा सा मैं और आगे अपनी आगे बढ़ती हूँ। तो जहाँ पर उन्होंने वर्चुअल एथिक्स की बात कही है और अरिस्टोटल के बारे में बात की है, तो यहाँ पर मैं ये एक और बात आगे रखना चाहती हूँ कि अरिस्टोटल जब यूडेमोनिया के बारे में बात करते हैं तो वो एक कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो इस बात के ऊपर भी जोर दे रहे हैं कि एक तरह से ये जो यूडेमोनिया है इट इज नॉट ओनली फॉर पर्सनल, ये एक हैप्पीनेस है या फिर फॉर द फ्लरिशिंग ऑफ द ह्यूमन। और इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि इट इज एसेंशियल दैट वन हैज टू लीड अ वर्चुअस लाइफ। अब इसको हम अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर मैं आपके सामने आनंद मीमांसा जो है उसको सामने रखना चाहती हूँ कि किस तरह से आनंद मीमांसा, ये जो एक टेक्स्ट है और इसको लिखा गया था बाई मुक्तानंद स्वामी जी ने, तो यहाँ पर भी वो यही बात को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज हैप्पीनेस, और ये जो हैप्पीनेस है इसको आप किस तरीके से परस्यू कर सकते हैं। ये विषय यहाँ क्यों लेकर आ रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जब हम हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ, मेरा पूरा फोकस अभी यहाँ पर स्टूडेंट कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो जब हम स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो जब कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस है वो यहाँ पर इक्विवेलेंट हो जाता है विद मटेरियलिज्म, और ये जो मटेरियलिज्म है उसमें ये जो भाव है कि हैविंग लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विल मेक मी हैप्पी, और लाइक यू नो हैविंग द बेस्ट ऑफ ब्रांड्स विल मेक मी हैप्पी, तो कहीं ना कहीं हम ये जो वैल्यू एजुकेशन कोर्स चला रहे हैं या जो शुरुआत कर रहे हैं यहाँ, इसका एक उद्देश्य ये है कि किस तरह से वी कैन मेक आर स्टूडेंट्स एज वेल एज आर ओन सेल्फ, इन द प्रोसेस हम में भी बदलाव होने लगते हैं, आर ओन सेल्फ अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। अभी जब मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस की बात आ जाती है तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म भी आ जाती है।
मिल एंड बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में बात की और उन्होंने कहा था कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहाँ पर मुझे वापस से आई फील कि यहाँ अगर हम एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट लेकर आते थे और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास है महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, क्योंकि दोनों ने कहा था कि यूटिलिटेरियनिज्म जो है जब वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर कहता है तो 51 बिकम्स द ग्रेटेस्ट नंबर एंड 49 बिकम्स द लीस्ट नंबर। सो वी आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अबाउट द पीपल हु आर मार्जिनलाइज्ड इन द सोसाइटी। तो यहाँ पर हमारे सामने जो दूसरा वैल्यू हम रख सकते थे वो हो सकता था सर्वोदय या फिर अंत्योदय अंत्योदय। तो दिस टू थिंग्स कुड हैव बीन पुट ओवर हियर देयर इन वी से कि सिर्फ इट्स नॉट द ग्रेटेस्ट नंबर बट इट इज फॉर एवरीबडी। सबका उदय जब हो तब जाकर हम देखते हैं कि समाज के अंदर वी कैन फाइंड दैट हैप्पीनेस वुड बी देयर एंड देन ओनली इट इज पॉसिबल फॉर अस टू बी ऑन टू द पाथ ऑफ वर्च्यू। बिकॉज अगेन व्हेन वी स्पीक ऑफ वर्च्यू इज समथिंग नॉट इट इज नॉट समथिंग विच इज अगेन एज आई से इट इज एसोसिएटेड विद द सोसाइटी ऑल्सो। सो देर इज अ होल लॉट ऑफ एन इंटरलिंकिंग which takes place between an individual and a society, because all of us understand that humans do not live in isolation. We are not a person who are living on an island. It's not at all possible. अब यहाँ पर दूसरी जो बात मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ वो है लोक संग्रह की। तो लोक संग्रह को भी हम अलग अलग नजरिए से समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक ऐसा perspective है जो कि हम देखते हैं कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म इन दोनों में इसके ऊपर इसको परिभाषित किया गया है और यहाँ पर यही कहा गया है अंडरलाइन किया गया है कि किस तरह से इंडिविजुअल्स दे आर इंटरकनेक्टेड एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट। तो ये तो हो जाता है हमारा फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। साथ ही साथ लोक संग्रह जो है वो इंडिविजुअल्स को इंकरेज करता है क्योंकि एज वी से दैट वी आर इंटरडिपेंडेंट सो माई एक्शन विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू। तो अगर आज मैं लाइक यू नो मैं वापस से एनवायरमेंटल एथिक्स की तरफ आ जाती हूँ कि अगर मैं ऐसे हमारे पॉलिसीज आ जाती हैं ऐसे हमारे डिसीजंस हो जाते हैं कि जिसकी वजह से प्रकृति पर मेरे लिए गए एक्शन, शिवानी जी ने भी कहा है और आप सबने को भी पता है कि शिमला कुल्लू मनाली में जो शिमला कुल्लू में खासकर जो हो रहा है तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ ह्यूमंस and it is because there was an unwarranted and unrestricted need for it. So loka sangrah agar hamare paas rehta tha to hum samajh sakte the ki how individuals are interconnected and interdependent. ye agar isko aap classrooms mein samjhana chahte hain ya students tak lekar jana chahte hain to isko aap alag alag ayam se lekar ja sakte hain. abhi details main bahut deep mein nahi jaungi बट आप इसको फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं, आप इसको एथिकल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ले सकते हैं, आप इसको कॉम्पैशन एंड एम्पैथी बिकॉज अगेन इंडिविजुअल्स आर इंटरकनेक्टेड। साथ ही साथ ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से हमें डेवलप करता है, हाउ वी हैव टू लाइक यू नो लोक संग्रह की बात करें तो यहाँ पर वापस से हम ट्रस्टीशिप के बारे में बात कर सकते हैं या फिर हम जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात आ जाती है। तो हाउ इंडिविजुअल्स कैन हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्टिवली इंगेज इन एक्शंस दैट अपलिफ्ट्स अ सोसाइटी, तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं लोकल संग्रह फ्रॉम द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सपेक्टिव, लोकल संग्रह फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी कि जहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि जस्ट एज पर्सनल ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट इट इज ऑल्सो इसेंशियल दैट वी शुड परस्यू दिस गोल्स इन बैलेंस विद द वेलबींग ऑफ अदर्स इन द सोसाइटी। अगर हमारे मटेरियल सक्सेस और पर्सनल एस्पिरेशन इफ इट इज कमिंग एट द एक्सपेंस ऑफ हार्मिंग अदर्स और निग्लेक्टिंग द सोसाइटल नीड्स देन वी कैन से दैट दिस डजंट रियली लीड अस टू द गोल ऑफ लोकल संग्रह। और साथ ही साथ हम इसको और भी अगर बड़े पैमाने पर बात करना चाहें तो फिर वी कैन टॉक अबाउट इट फ्रॉम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव कि जहाँ पर ये और भी ब्रॉडर डायमेंशन जो है हो जाता है। अभी इसी ब्रॉडर डायमेंशन को जब हम और आगे लेकर जाना चाहें तो यहाँ पर एक और जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो है वसुधैव कुटुंबकम।
ये जो पर्टिकुलर वसुधैव कुटुंबकम है, दैट इज इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो इट कम्स एज द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो ये जो है ये भी एक वैल्यू है, और ये वैल्यू इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स अस टू ट्रांसेंड द नैरो बाउंड्रीज ऑफ नेशनैलिटी, रिलीजन, कल्चर, एंड इट लीड्स अस टूवर्ड्स ग्लोबल हार्मनी एंड कोऑपरेशन। तो ये जो लाइक यू नो जो ये पर्टिकुलर यूनिट है, इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो सारे हैं, शिवानी जी हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ब्रह्म विहारस, तो वहाँ मैं नहीं जाऊँगी। बट अगेन वो भी पर्टिकुलर जो वैल्यू है बुद्धिज्म के द्वारा दिया गया जो वैल्यूज है ब्रह्म विहारस, दैट ऑल्सो लीड्स एन इंडिविजुअल टू बी एम्पेथेटिक एंड हैव एम्पेथी। तो यहाँ जो बेसिकली ये जो कोर्स है आपका, इट इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग सर्टेन वैल्यूज, और अदर वी कैन से इट एम्स एट हैविंग अ बैलेंस ऑफ IQ, EQ एंड SQ, कि जहाँ पर जो हमारा स्पिरिचुअल कोशेंट है उसको हम किस तरह से एनहांस कर सकें। एंड वाई दिस SQ इज एसेंशियल, सो दैट वी एज इंडिविजुअल्स वी आर हैविंग यूडेमोनिया, आनंद मीमांसा, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स लोक संग्रह। यस, थैंक यू। दैट्स वंडरफुल, बहुत सही कहा आपने। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थर्ड यूनिट, इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी एंड वेलबींग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप अमंग सेल्फ आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी। अंडरस्टैंडिंग इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी विथ थ्री गुणा थ्योरी ऑफ सांख्य, अंतःकरण्स, फोर अंतःकरण्स, इनर इंस्ट्रूमेंट्स इन योग, मंचकोश in Upanishads, approaching comprehensive understanding of well-being and its relation to happiness. This is it. Rest is the practical. थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए अगर आप हाँ हाँ मैं टिप्पणी रहेगी तो वो, क्योंकि फिर वो बाकियों के अभी प्रश्न लेने हैं। एक यूनिट और है और एक ठीक। तो इसमें सेल्फ और आइडेंटिटी और पर्सनालिटी को सबसे पहले हम डिफरेंशिएट अगर कर सके तो बेहतर होगा। सेल्फ वो है जो हमारी एग्जिस्टेंस का आधार है। सेल्फ को बहुत से लोग अलग अलग तरह कहते हैं, कोई माइंड से इक्वेट करता है। तो आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी वो है जो सेल्फ का एक इंडिकेटर है। आपकी आइडेंटिटी नहीं बन सकती अगर आपका सेल्फ नहीं है। इसीलिए कोई मृत को, मृत शरीर को कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो मृत शरीर ही कहलाता है। और पर्सनालिटी जो है वो एक बाहर का फ्रेमवर्क है जहाँ से आप सेल्फ को समझने के लिए गहरा उतर सकते हैं। तो आइडेंटिटी जो है वो सोशल भी होती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, कल्चरल, एनीथिंग, लेकिन सेल्फ की कोई आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। लॉजिकली सेल्फ इज समथिंग विच इज, अगर वेदांत में जाएंगे तो आपको उसके लक्षण मिल जाएंगे, उसका स्वरूप मिल जाएगा, सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो सेल्फ है। और अगर आप उसको बाहर देखना चाहेंगे किसी और दृष्टि से तो उसकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, लेकिन मोटा मोटा अगर हम समझें तो सेल्फ एक बेस है जिसके ऊपर आधार, जिसके बेस पे हम आइडेंटिटी बनाते हैं, और वो सोशल, पॉलिटिकल और आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से रिलेट करता है, और वही पर्सनल आपकी पर्सनालिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है, सेल्फ कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। तो सेल्फ इज बियॉन्ड ऑल दोज इंडिकेटर्स व्हिच इज डिफाइन, व्हिच इज टू बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ सत, चित एंड आनंद, राइट? जैसे कि आनंद मीमांसा की अभी बार बार बात हो रही है। और इसी सेल्फ को लेके हम आगे, आपका जो टॉपिक है तीन गुण जो सांख्य में है, सत्व, रजस और तमस। अब वो कहता है कि सत्व, रजस, तमस जो है ये प्रकृति के गुण है, पुरुष के नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, ये हमारी आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, हमारी पर्सनैलिटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, सेल्फ कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है यहाँ पे। और उसी तरह से अंतःकरण की भी जब बात आती है, बुद्धि, चित्त के ये तीन आपके जो अंदर कॉम्पोनेंट्स हैं, बुद्धि, मन और अहंकार, ये आपके फीचर्स हैं इसके, कि बुद्धि जो है वो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करेगी, विवेक करेगी, ये सही है, ये गलत है ना। मन जो है हमेशा कल्पनात्मक रहेगा, इमेजिनेटिव रहेगा, और जो आपका अहंकार है वो आपको एक ईगो फॉर्म में, कि ये मैं हूँ, ये मैंने किया है,
तो ये भी आपका सेल्फ नहीं है, ये भी आपके एक पर्सनालिटी का हिस्सा है, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है, लेकिन सेल्फ नहीं है ये। और ये योग का हो गया। और उपनिषदों में आपको पंचकोश मिलता है कि इस सेल्फ को अगर हमें समझना है तो हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे समझें, तो वो कहता है अन्नमय कोश है कि आप अपने सेल्फ को डिफाइन करना चाहते हैं कि जो मैं खाता पीता हूँ वही मेरा सेल्फ है। फिर वो कहता है कि नहीं, ये सेल्फ नहीं है। फिर आगे चलता है तो वो कहता है प्राणमय कोश, आपका जो प्राण है, ब्रीदिंग प्रोसेस है, वही आप आपका सेल्फ है। वो कहता है वो भी सेल्फ नहीं है, क्योंकि वो भी आप देख रहे हैं कि हाँ आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। फिर कहता है मन ही आपका सेल्फ है। वो कहता है मन भी आपका, मनोमय कोश भी आपका आपका ओरिजिनल सेल्फ नहीं है। फिर वो कहता है विज्ञान है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है, कहता है वो भी आपका सेल्फ नहीं है। फिर कहता है आपका आनंद जो है वो सेल्फ है। वो कहता है आनंदमय कोश भी एक कोश ही है। तो कहने का भाव यह है जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय अवस्था जो है वो आपके सेल्फ से कहीं जुड़ती है, लेकिन सेल्फ को नेति नेति करके ही उपनिषद जो है समझाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए सेल्फ की कोई कंक्रीट डेफिनेशन देने से लगभग सभी स्कूल्स थोड़ा सा परहेज करते हैं, लेकिन वेदांत में आपको वो बकायदा मिलती है सच्चिदानंद स्वरूप, और वो भी ब्रह्म के कंटेक्स्ट में मिलता है, लेकिन वो सेल्फ का ही सेल्फ उसी का एक अंश मान लिया जाता है। और लास्ट में जो आपका ये है रिलेशन वेलबींग क्या है और हैप्पीनेस क्या है, तो मेरा ये मानना बहुत कन्विक्शन है मेरे को इस चीज़ के लिए कि हैप्पीनेस ठीक है, ये हम कल्पना ज़रूर करते हैं कि हम 100 साल जिए और बड़ा स्वस्थ जिए, लेकिन वहाँ कहीं हैप्पीनेस और खुश जिए ऐसी कल्पना, ये एक ग्रीक आइडिया है, ग्रीक आइडियल है कि हमें खुश रहना है। यूडेमोनिया की बात की जैसे अभी प्रोफेसर नमिता ने, तो यूडेमोनिया हैप्पीनेस है, एक गोल है, लेकिन हैप्पीनेस इज नॉट द कोर गोल। इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना ऑफ सफरिंग एंड हैंडलिंग इट वेल। तो यहाँ पर भारतीय जो समाज है इसमें सफरिंग को, इसीलिए बुद्ध भी, सांख्य भी, इनकी सब थ्योरीज जो शुरू होती हैं वो सफरिंग को रिकग्नाइज करते हुए होती हैं, ना कि वो आइडियल बनाते हैं कि हमें खुश होना है। तो खुश होना, वेलबींग होना बड़ा स्वाभाविक है, और वेलबींग की सीधी साधी सी यही जो डेफिनेशन हमें मिलती है वो यही है, स्वस्थ रहें। अब वो स्वस्थ होना और वेलबींग होने में बहुत अंतर है। स्वस्थ रहने में पूरा योग फिलॉसफी आपकी यम नियम आसन धारणा ध्यान प्रत्याहार समाधि तक जो वो जाती है, वो वेलबींग की परिभाषा आपके यम और नियम में एम्बेडेड है कि आप 5 नियमों का फॉलो कीजिए, 5 यम कंट्रोल कीजिए, सत्य अहिंसा स्थिर है ना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, गिफ्ट मत लीजिए। ये सबसे बड़ा देखिए आपका वेलबींग का शुरुआत यहाँ से है कि आप अगर किसी से ले रहे हैं और किसी को कुछ वापस गिफ्ट रिटर्न कर रहे हैं, देन यू आर probably not in your own world, आप अभी अपने आप से जुड़े नहीं हैं। तो इन्हीं चीज़ों का मुझे लगता है, और ये आपके जो practicals हैं, साक्षी भाव ध्यान करना कि आप अपने को observe करें, आप अपने को देखें, अपने ऊपर control करें, और मुझे लगता है यम नियम is the base of this well-being, अगर आप मतलब बहुत ही इसको approach करना चाहते हैं योग की दर point of view। Thank you। जी मैम, over to डॉक्टर नमिता जी। तो शिवानी जी ने तो बहुत सारी बातें यहाँ पर बता ही दी हैं, तो अभी मैं यहाँ पर लास्ट टॉपिक जो आपका है कि प्रैक्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेडिटेटिव टेक्निक्स दी गई हैं, और ये जो मेडिटेटिव टेक्निक्स हैं ये जैनिज्म की भी ली है, बुद्धिज्म की भी ली है, और योग से भी ली गई है। तो फोकस यहाँ पर दिया गया है कि जहाँ हम प्रेक्ष ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं, साक्षी भाव ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं जो कि वेदांत से लिया गया है, विपश्यना के बारे में बात की गई है, योग निद्रा के बारे में बात की गई है, तो मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ये भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल्स हैं अभी सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट हाउ टू टीच इन द क्लासरूम्स, तो ये हाउ टू गेट इट ट्रांसलेटेड इन टू द क्लासरूम्स, तो वो तो लाइक दैट्स अ बिग टॉपिक ऑफ हाउ टू एक्चुअली गो अबाउट इट, बट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, तो अगर हम इसकी तरफ फोकस करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसका मेन मोटिव है या जो मेन एम है वो ये है कि हाउ वी कैन प्रमोट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग इन एन इंडिविजुअल। तो ये, और अगर आप इन 3 सारे मेडिटेटिव टेक्निक्स को देखेंगे
तो यहाँ पर देर इज लॉट ऑफ माइंडफुलनेस विच इज इन्वॉल्व इन इट. और माइंडफुलनेस का मतलब ये रहेगा, अगर हम बुद्धिज्म के दृष्टि से सोचें, कि वे यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द नाउ एंड नाउ इटसेल्फ. ना तो आप भविष्य के बारे में विचार करें, ना ही आप पास्ट के बारे में विचार करें, ना भूतों ना भविष्य. तो दैट इज वॉट वी कॉल एज माइंडफुलनेस. बट हाउ टू गो अबाउट इट फॉर माइंडफुलनेस, एंड वाई इज इट इसेंशियल दैट ये जो प्रेक्षा ध्यान है या साक्षी भाव ध्यान है, ये किस लिए है? क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा ये कोर्स का यही है कि वी आर टॉकिंग अबाउट हैविंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन द कंट्री, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द नेशन. एंड वॉट डज इट मीन टू बी रिस्पॉन्सिबल? सो वेर वी हैव नॉट वेर वी हैव लाइक यू पासिंगली रिफ्लेक्टेड अपॉन, पासिंगली टच्ड अपॉन ऑन द एथिकल वैल्यूज. तो जहाँ हम ये कहते हैं कि देर शुड बी हारमोनी इन थॉट, वर्ड एंड एक्शन, एंड देन अगेन इट शुड बी फॉर द लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी. लोक संग्रह के बारे में ही हम वापिस आ रहे हैं. तो ये सब तभी हो सकता है जब हमारे अंदर का जो स्पिरिचुअल क्वोशेंट है वो ठीक से डेवलप हो सकेगा, एंड व्हेन वी कैन हैव अ बेटर लाइक यू नो अ ब्रॉडर वे ऑफ लुकिंग एट सिचुएशंस, अ ब्रॉडर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. अभी प्रेक्षा ध्यान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है, और वो ये है कि प्रेक्षा ध्यान जो है वो कलर थेरेपी के ऊपर फोकस करता है, और इसके अंदर वो ये देखता है कि किस तरह से रंगों का जो प्रयोग है हम हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम बैलेंस इन द बॉडी जो है एंड माइंड का जो बैलेंस है उसके ऊपर हम इसको लाइक यू नो हाउ वी कैन फोकस ऑन इट. तो दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस विच इज देयर, इट एम्फसाइजेस ऑन द प्रॉपर ब्रीदिंग, प्रॉपर पोस्चर, प्रॉपर डाइट इन प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. मुझे ये जो प्रेक्षा ध्यान है, आई फाइंड दैट देर इज अ काइंड ऑफ को रिलेशन वेन वी स्पीक अबाउट द थ्री गुण्स, कि जहाँ पर हम सत्व, रजस और तमस के बारे में बात करते हैं. तो सत्व, रजस और तमस हम लेट अस नॉट स्पीक अबाउट इट ओनली फ्रॉम द सांख्य फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, अ डीपर पर्सपेक्टिव. But if we want to implement it in our day-to-day life, so the kind of food that we eat, तो कौन से food जो है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक हो जाते हैं, कौन से रंग है जो कि सात्विक, राजसिक और तामसिक हो जाते हैं. तो जब आप इसको सत्व, रजस और तमस को देखेंगे और प्रेक्षा ध्यान में जो कलर थेरेपी के बारे में आप बात करते हैं, तो there is a kind of an interconnectedness that emerges out of it. Of course, प्रेक्षा ध्यान जो है वो तो 19th century में ही आया हुआ है, और लाइक यू नो हाल ही में समवेयर आई थिंक सो 1970s में इट हैज बीन ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस बाय द जैन मॉन्क. सो लाइक यू नो व्हेन आई, ये जो यूनिट 3 है आपका, इट टॉक्स अबाउट इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी एंड वेलबींग. सो हियर वेरी इंटरेस्टिंगली इट इज स्पीकिंग अबाउट वेलबींग, विच इज अगेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी अगर आप हेल्थ की डेफिनेशन देखते हैं, और अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी एंड वेलबींग की डेफिनेशन देखते हैं, तो इट इज अ फाइन बैलेंस ऑफ ऑल द थ्री थिंग्स, दैट इज योर पर्सन शुड बी हेल्दी इन माइंड, अ पर्सन शुड बी हेल्दी इन बॉडी, एंड अ पर्सन शुड बी हेल्दी फ्रॉम द सोसाइटल पर्सपेक्टिव ऑल्सो. सो दिस एम्फसाइजेस ओवर हियर. थैंक यू. एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ इट, प्रोफेशनल एथिक्स एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, nature, characteristics and scope of professional ethics, professional values, trusteeship, inclusiveness, commitment, sustainability. I think these are all Gandhian values and values of global citizenship, equality, justice, constitutional values, I think. And nature and need of competency-based education, types of core competencies, communication, teamwork, planning, achieving goals, functional competencies, analytical thinking, knowledge sharing and learning, decision making, etc. So very brief views on these issues. So after this we'll take up the question answer session. I think this will be quite sufficient for us for today's इसमें बस मैं एक ही बात कहूंगी, ज्यादा इस पे प्रोफेसर नमिता बात कर सकती हैं बिकॉज इट्स हर कोर एरिया, कि जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं एम्पथी इज अ वैल्यू, इट इज अ मॉरल वैल्यू. तो कहीं ना कहीं
अगर आप में एम्पथी है तो यू विल सर्टनली बी अ वेरी गुड मेंबर फॉर अ टीम वर्क एंड फॉर अचीविंग गोल्स. और प्रोफेशनल वैल्यूज जो होती हैं वो यही होती हैं कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द इंस्टीट्यूट, आप उसके लिए काम कर सकें. और वो सिर्फ एक एज अ टीम, एज अ मेंबर ऑफ अ टीम ही किया जा सकता है. और उसमें ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, उसमें इंटेग्रिटी, ये सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं, एंड ट्रस्ट, उसमें ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है. ट्रस्टीशिप तो चलिए एक भगवद गीता का एक एक्सटेंडेड मुझे लगता है कि लाइन ऑफ थॉट है यहाँ पर, कि आप में ये विश्वास होना चाहिए कि आप जिनके लिए काम कर रहे हैं वो जो डिसाइड करेंगे वो आपका ध्यान रखते हुए डिसीजंस लेंगे. तो मुझे लगता है कि इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इफ वी टॉक ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, क्योंकि ये प्रोफेशन सिर्फ एक समाज के इंस्टीट्यूशन के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता. फिर ये जैसे पहले कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, फिर पूरा जो यूनिवर्स है वही आपका एक तरह से परिवार बनता है. विद दीस वर्ड्स आई स्विच ओवर टू प्रोफेसर नमिता टू स्पीक ऑन दिस. प्लीज कैरी ऑन मैम. यस, तो लाइक यू नो, जहां लाइक आई फाइंड दैट दिस इज अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द पोस्ट, कि वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट the difference between ethics and values, then we speak about how these ethics and values are essential for the society, and ultimately we cannot forget that students also have to earn bread and butter, and so as they are in the market for to earn their bread and butter, it is also very essential that an emphasis be laid on professional ethics and global citizenship. So Vasudevan Kutumbakam ke bare mein humne baat to kar hi li hai, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर वाई डू वी नीड प्रोफेशनल एथिक्स, आई फील दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस आर वेल अवेयर अबाउट इट, बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम वी विल नॉट बी गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. बट यहाँ पर जब हम प्रोफेशनल वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई फाइंड दैट इट इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद गांधियन वैल्यूज, बट आई ऑल्सो लुक एट इट दैट हाउ दिस वैल्यूज आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. And not only the constitutional values, जब हम United Nations Human Rights के बारे में बात करते हैं and when we speak about the global dimensions, तो वहाँ पर भी ये उतना ही important हो जाता है. Trusteeship के बारे में बात हो चुकी है. Trusteeship के साथ साथ मैंने उस समय में corporate social responsibility के बारे में भी बात की थी, क्योंकि trusteeship जो है उसका एक criticism ये आ जाता है कि ये बहुत ही altruistic है और सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ट्रस्टीशिप के पाथ पर फॉलो कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी स्पीक ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूज, तो वी फाइंड दैट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टेकन अ सेंटर स्टेज एट द प्रेजेंट मोमेंट. हाउएवर, इंक्लूसिवनेस जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. एंड हाउ डू वी डिफाइन इंक्लूसिवनेस? सो दिस इज लाइक यू नो टू बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस विच अराइजेस और डिस्क्रिमिनेशंस विच आर देयर इन द सोसाइटी. And how when a person works in a team, it is essential that barring all kind of cultural, social, gender differences, one has to be inclusive. So, ye jo inclusiveness hai na, this is something which really can take place when we make students work in a group. When students from diverse backgrounds are made to work in a group, jab aapke practicals hote hain. Commitment towards a cause, sustainability, again, this is an environmental ethics value, जहाँ पर कि हम sustainability के बारे में बात कर रहे हैं. But इसी sustainability को हम इसको दूसरे नजरिए से भी पेश कर सकते हैं कि how students when they pick up a particular goal, they have to see that it exists not only for the now but for the hereafter also. So their efforts have to be in a sustained manner. So, because many a times जब हम हमारे interactions होता है हम लोगों के school हमारे students के साथ, तो कई बार वो जो एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट में रहते हैं, तो उस डिसअपॉइंटमेंट में से उनको बाहर लेकर आने के लिए ये जो प्रोफेशनल वैल्यूज हैं, अगर इसके बारे में हम हमारे क्लासरूम्स में थोड़ा अच्छी तरह से और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चर्चा कर सकें, तो आई फील दैट इट विल हेल्प देम अ लॉन्ग वे इन सस्टेनिंग देमसेल्व्स इन द प्रोफेशनल फील्ड एज वेल एज टू सस्टेन देयर मोटिवेशन ऑल्सो. Accountability, transparency, impartiality, these are all the values, the professional values that we are talking about. Abhi, already, like, you know, Shivani has spoken about values for global citizenship.
और यहाँ पर हम इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कि जब हम डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में बात करते हैं और डिग्निटी ऑफ लेबर के साथ साथ हम ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर जो पहले का जो हमारा टॉपिक था, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ ह्यूमन एंड लाइक यू नो एंड एन इंडिविजुअल एंड पर्सनालिटी, जब वो जो इंटरकनेक्टेडनेस अगर हमें समझ में आ जाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन डिग्निटी जो है ना, उसके ऊपर डिस्कशंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। लाइक वी एज पीपल इन द सोसाइटी हैव सो मेनी बायसेस, तो वो जो बायसेस हैं उसको हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी ग्लास सीलिंग्स दैट वी हैव, वो ग्लास सीलिंग्स हम किस तरीके से उसको क्रैक कर सकते हैं, तो वो जो डिस्कशंस है दैट विल हेल्प अस इन पेविंग अ वे फॉर हैविंग अ बेटर एम्पैथी एंड अ बेटर डिस्कशंस ऑन ह्यूमन डिग्निटी। साथ ही साथ है नेचर एंड नीड ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसीज, तो जब हम इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो कॉम्पिटेंसीज लाइक नो, तो वी कैन स्पीक अबाउट द टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज जो कि होनी चाहिए आज के जमाने में स्टूडेंट्स के पास, दे शुड हैव टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज। ऑल्सो वी शुड एम्फसाइज ऑन बिहेवियोरियल कॉम्पिटेंसी, यानी कि जैसे कि हम पर्सनल क्वालिटीज के बारे में बात करें, आगे पहले के जो सेक्शंस हैं दैट हैज ऑलरेडी डेल्ट विद इट, दैट हैज ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट, दैट किस तरह से लाइक यू नो अ पर्सन हु इज वर्किंग इन अ ग्रुप शुड हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स किस तरह से हो सकती हैं, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स ओवर हियर, आई फील दैट समवेयर वी हैव लैक्ड बिहाइंड एंड वी हैव नॉट पेड मच अटेंशन टू कम्युनिकेशन स्किल्स इन आर एजुकेशन सिस्टम। तो कहीं ना कहीं ये जो कोर्स है ये इस बात को अंडरलाइन और उस वीकनेस को वीक करने की कोशिश कर रहा है, वेरिन वी कैन से दैट कम्युनिकेशन बिकम्स द कोर। एंड देन ऑफ कोर्स एनालिटिकल थिंकिंग, ये तो लॉजिक रिलेटेड एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि वेरिन वी स्पीक ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग, नॉलेज शेयरिंग एंड लर्निंग, लाइक दिस इज समथिंग सो इम्पॉर्टेंट, नॉलेज शेयरिंग एंड लर्निंग। लाइक समवेयर वी ह्यूमंस हैव बिकम सो सेल्फिश कि मुझे जो आता है वो मुझे दूसरों को नहीं देना है, बट मुझे लगता है कि अगर पहले के कॉम्पिटेंट, पहले के जो कोर्स हैं, अगर पहले के 3 यूनिट्स ठीक तरह से चले जाते हैं, तो नॉलेज शेयरिंग एंड लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, पार्टनरशिप बिल्डिंग विल बी द एंड प्रोडक्ट दैट वी वुड बी हैविंग इट। सो दिस इज इट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि समय की हमारे ऊपर मर्यादा है, तो इसलिए मैं जो एथिक्स एंड कल्चर वाला पार्ट है इसको हम नेक्स्ट डिस्कशन सेशन में लेंगे, इसको हम यहीं रोक रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, टिप्पणियां हैं, और यदि आप में से किसी की कोई असहमति भी हो तो वो भी, उसका भी स्वागत है। तो सबसे पहले तो प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी हैं, पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, तो इनकी टिप्पणियां गीता और कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर इनका विशेष काम है। उसके बाद डॉक्टर भारद्वाज जी। धन्यवाद आशुतोष जी। पहली तो समस्या मुझे आपसे है वो ये है कि सिलेबस दे दिया आपने तो, दो विदुषियों को ढूंढ लिया जो हमें बता सकती हैं। मेरा प्रश्न ये है कि कॉलेजों में कैसे करेंगे इसको आप? सर उन्हीं के लिए तो सर मेरा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो रिटायर्ड हूँ, हमने ये पढ़ा नहीं। जो हमारे अब प्राध्यापक हैं, सॉरी टू से आई कैन से विद अथॉरिटी, उन्होंने भी नहीं पढ़ा हुआ, तो पढ़ाएंगे कौन? पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पढ़ाई नहीं हुआ हमने टीचर्स ने, तो हम पढ़ाएंगे क्या? तो होना ये चाहिए कि कम से कम कोई ऐसा रिटर्न कैप्सूल बनाए जाएं ताकि हम बच्चों को और टीचर्स को पहले बता सकें, तभी वो टीचर्स को बता सकते हैं जी। अब दूसरी बात जो है सर, जब आप ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे थे तो मेरे आगे 2-3 प्रश्न आए कि पहली बात है ह्यूमन वैल्यूज को जानने के सोर्सेज क्या हैं, क्या स्क्रिप्चर्स हैं, अब यदि स्क्रिप्चर्स हैं तो कौन से हैं, एक समस्या है। उसके अलावा वर्तमान में यदि आप देखें, एक
ह्यूमन वैल्यूज को एस्टेब्लिश करती है लेजिस्लेचर थ्रू लॉ, कानून के द्वारा। दूसरे ह्यूमन वैल्यूज की एस्टेब्लिश करती है जुडिशरी थ्रू इंटरप्रिटेशन। तीसरी एग्जीक्यूटिव करती है थ्रू एक्शन। किसको ले आप? अब जब एक एग्जांपल दे रहा हूं दो मिनट के लिए, हमारे यहाँ क्या हुआ है कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो बेसिक है सोसाइटी का वो परिवार है, कुटुंब है, उसके लिए मैरिज है। हमारी ह्यूमन वैल्यूज क्या थी कि जन्म जन्म का साथ है, हमने उसको बदल दिया, कानूनन बदला है कि हमने ये कहा कि जो डाइवोर्स है वो इनकॉम्पेबिलिटी के आधार पर भी लिया जा सकता है, यानी कि आपको सिर्फ इतना ही कहना है दोनों को कि जी हमारी आपस में बनती नहीं। लेकिन कल ही एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट, ये पटना हाई कोर्ट का, कि डाइवोर्स नॉट ए प्राइवेट अफेयर एज सोसाइटी हैज ए स्टेक इन मैरिज। ये सिर्फ मैंने उदाहरण दिया कि कैसे परसेप्शन जो है जज का है या वो लेजिस्लेचर का है, जब वो बदलता है तो कौन सी वैल्यूज को माने। तो एक मेरा ये प्रश्न है कि सोर्सेज क्या हो सकते हैं। राइट, प्रश्न तो बहुत है मेरे पास, लेकिन एक या दो ही रखे। बहुत संक्षेप हाँ ले रहा हूँ मैं। इसमें जो जैसे इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी की बात की जी, तो मैं ये समझता हूँ कि भगवत गीता के अध्याय दूसरे का जो स्थित प्रज्ञा वाला है कॉन्सेप्ट, उसको बिना समझे हम बच्चों को इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी नहीं बता सकते। विदेशी थिंकर्स को आप जितना मर्जी कोट करते रहे, उनको पता नहीं है, उनके पास है नहीं, वो सोर्सेज नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम उनको भी लेना होगा। और अंत में क्योंकि समय कम है, वैसे तो बहुत है। जब आपने लोक संग्रह की बात की, पहले तो मैं शिवानी जी का तो बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने भगवत गीता को बहुत ही राइट पर्सपेक्टिव में रखा है। लेकिन मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जब हम लोक संग्रह की बात करते हैं, ये अध्याय तीसरे का 20वां श्लोक है, क्योंकि उसके साथ साथ 19वां और 21वां भी पढ़े हम, क्योंकि 19वें में क्या कहा, अनासक्ति भाव है, और 21वें में जो है आचरण की बात है, जिसके बाद में आपने लीडरशिप की बात की है। तो लोक संग्रह को जब तक आप इससे नहीं जोड़ेंगे, अनासक्ति भाव से और साथ ही साथ आचरण से, और तीसरा एक और जो जोड़ना चाहता हूं मैं लोक संग्रह के बारे में स्पेसिफिकली, वो है भगवत गीता में सीमित है ज्ञान थोड़ा सा, सर्वभूत हिते रता सम बुद्धे सम दर्शन है, इन तीन आधारों पर ही लोक संग्रह हो सकता है। और अंत में एक बात कह रहा हूं कि ये जितने भी मूल्य हैं, ह्यूमन वैल्यूज की बात करें, आप वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, भगवत गीता में तीन चीजों के लिए कहा गया कि जिनका आप कभी त्याग नहीं कर सकते, और जो सारे के सारे ह्यूमन वैल्यूज को जोड़ देगी, वो क्या है, यज्ञ दान और तप। अब मेरा केवल इतना कहना है कि यदि मैं ये पढ़ाने लगूं कहीं मेरे ऊपर भगवाकरण करने का आरोप ना लग जाए, और मुझे बहुत शंका है कि क्या ये कोर्स चल पाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो में इनको बदल दिया जाए। तो ये थोड़ी सी मेरी आशंकाएं भी हैं। और बस आखिर में एक बात जरूर कहूंगा आशुतोष जी आपसे कि कृपया करके शिवानी जी और मैडम जो हैं, इनके जैसे कुछ प्राध्यापक या इनके वेबिनार हरेक कॉलेज में करवा दें तो बेहतर होगा। और मैं इन दोनों का पुनः आभारी हूँ कि इन्होंने अपनी इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सोशल एंड नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए जो समय निकाला, उसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। चलो, आपने धन्यवाद पहले ही कर दिया दोनों का। चलिए, अभी हम टिप्पणियां बाद में लेंगे पैनलिस्ट की, लेकिन उससे पहले डॉक्टर चांद भारद्वाज जी, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है इस एथिक्स वैल्यूज और इन सब इश्यूज को डील करते हैं, और दिल्ली में हैं, और अभी इनका विदेश भी जाना है इसी सिलसिले में। तो डॉक्टर चांद जी, thank you ji, thank you very much. You know, I'll try to condense it in the minimum possible words. First of all, I would like to rather give all my respects to Shivani ji and Namita ji, because they have done it beautifully well. Now I would like to present the whole thing in a very different manner, through science and logic, to explain the whole Indian knowledge system, which should be the basis for the students to understand. And later on, all these nitty-gritties can be taught to them.
And the first line is that we must work on cosmic cognitive restructuring. Here I would like to say that the whole cosmos is now visible. The visible universe, the picture is available now. The whole cosmos has got three basics in it. One is floating material bodies. The second area is that it has got a universal mind, which is running the whole cosmos through gravitational magnetic fields. It is embedded with information systems, 2G, 3G, 6G internet, radio communication, etc. Plus, it is embedded with chemistry, physics, maths. If the apple falls, the Newton calculates the laws of nature. So it is universal mind, which is embedded with information system and laws of nature. The third law is operative. Every action has got an equal and opposite reaction. And the third thing is absolute intelligence and a capable force, which is energizing the whole thing. We call him as God. All religions talk about that. And this is how we would like to bring in this cosmic cognitive restructuring, because you are part of the whole. Your body is made out of those 100 and odd elements, you know, floating material bodies, which you tell all the children, you know, in the school about. You call it as Panch Tattva, but actually it is 100 and odd elements you are teaching your children in science. So these are elements. And this is what your body is made out of that. You have acquired the mind. Who has acquired the mind? You. You are that divine. Because you are part of the Lord, as we say that ekam bahusham, it became from one to many, and we are representing the absolute connected with that nada, that sound current. So it is an audible stream of life with which we are connecting. We call it as jivan ka vah srot jo suna ja sakta hai. So understanding this, that it is very nicely it is explained that we are part of that absolute intelligence capable force and representing the absolute here. The yes. Beauty of the whole thing which you discussed here, it was so nice and beautiful. I would like to comment few points here, that the outer expression of your creative intelligence, we call it as soul, is your attention. And this attention is like an omni scanner. Wherever the attention goes, the divine energy flows. We have acquired the mind in the form of causal mind and created a causal body, which is known as Ardhanareshwar. We further refined it into astral mind and astral body. So your soul has developed right from single cell to the crown of creation, the human body. Because if light and sound strikes on pure elements, converts them into amino acids, and amino acids synthesize the proteins which were available on this planet Earth. Now we are even explaining how non-material created the material. So I am just, let me explain how life starts. Because we are light and sound, actually, jyoti and shruti. If it strikes on pure elements, converts them into amino acids, and amino acids synthesize the protein to make the first single cell amoeba, which you are teaching your children. Now, this amoeba dies, you know. The material body remains here. The mind and the soul, I call it as creative intelligence, and all that information-enriched mind goes back to the astral region, comes out again to make a double cell organism. It dies again. It goes back and comes out again to make a multicell organism, gradually crossing 8.4 million species. You have crossed over, and then you created the crown of creation, the human body, yourself. Now, I would like to hurriedly say few points, you know. The body deals with hunger, clothes, housing, vanities of the world, sex and sleep. Whereas the mind deals with the information only, which is lust, anger, ego, attachment, deceit, fears, and worries. And the driving force is your attention. Now, how body and mind together work in tandem, create emotions, and drag your attention to work. And the mind is information-based. Somebody is taught Mandarin or a Tamil or engineer or a doctor. So this was never taught, that there is divinity within you which has got sustainable attributes, which can run your life with those things like love, compassion, mercy, wisdom, humility, state of art, planning ability, its execution ability, let us face as it comes, justice, etc. So one, if somebody knows that he is that divine,
And that confidence in the child should develop that he has done it himself. That's how he's Aham Brahmasmi. Now he has done it. So this is how is the smaller area in these words. You know, I will congratulate this Ashutosh ji has organized such a wonderful thing on human values. So I would like to say we are developing a curriculum, international curriculum, on human values, ethics, skills, habits, and wisdom development program, where we would like to convey to the whole world that you are this. You have got these three. They are connected with those three. Each living entity has having three. So we start from a last thing I would like to say, that the seed also has got three. It has got a material body. It has got a mind, whether it is of a mango or an apple. And then there is a creative intelligence. It is that intelligent that if you put it in the dry sand, it won't germinate. As soon as the rain comes, it triggers life into it. Multitasking, you know. The bud is looking towards the sun to do photosynthesis. So it already knew how to use solar energy. So what I am trying to say here, that the student must be told that he is part of the absolute and he is all-knowing, all-pervading. It is only the mind which is hindering. So that if he meditates, in meditation, one point, that it is not focusing of attention. It is withdrawal of attention to that location from where it operates. What we could see that these two eyes are cameras and two optical nerves go in the head where they meet. That is the location where ears are also connected. If you withdraw your attention, you are already connected. So, Rabda ki pavna idro putna idhar lamna bullesha learned it from Shainai. So, it is that easy, that withdrawal of attention will give that attitude in the mind and the behavior will change. So this philosophy, which we call it as co-aim theory and practice, means correlation of your attention with information, which is your mind, material is your body. Thank you very much for this small little opportunity. Thanks. Thank you, sir. It's a wonderful thing. I don't have words for this. It's a beautiful conclusion you have given and different perspective. I really appreciate this, sir. Really appreciate it. जी और मैडम इंदु शर्मा जी थैंक यू सर धन्यवाद सर मैं आपको पहले अपना परिचय देना चाहती हूँ कि मैं इंदु शर्मा लेखक हूँ और मेरे घर से संस्कृत सेवा परिषद चलती है डॉक्टर नावल किशोर डॉक्टर जी है और उन्होंने राष्ट्र का पांचवा वेद लिखा है ना जो अब तक की कृति हुई है और ये है मिस्टर आधुनिक साहित्यकार ये है नावल किशोर कांकर ये है नारायण शास्त्री कांकर जी इन्होंने 250 पुस्तकें लिखी है संस्कृत में प्रकाशित अप्रकाशित और संपादित है तीनों मिला के 35 से 40 इनके ऊपर पीएचडी हो चुकी है और इनकी पुस्तकें हाई स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे सब पे चलती हैं और चलती थी और चलती है हटती और लगती रहती है अभी भी चल रही है कुछ किताबें तो मैं संस्कृत के इस पे भी आप पे बोलना चाहूंगी मूल्य शिक्षा को है ना तो इन्होंने एक ये लिखी है संस्कृत सूक्ष्मा सप्तशती नवल नारायण शास्त्री कांकर जी ने इसके अंदर 700 श्लोक सिर्फ इसी बात पर लिखे हैं कि हमें संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए और संस्कृत हमारे अंदर मौलिक जो नैतिक परिवर्तन जो लाती है आत्मिक जो दूसरी शिक्षा है वो कैसे लाती है कि अपने को एक पशुवत या कहो कुछ भी यंत्रवत हमको हैंडल करती है और हमारे व्यवहार का परीक्षण करती है और संस्कृति है जो हमारे आत्मा का शुद्धिकरण करके और उसके अंदर संस्कारों का मार्जन करती है और उसके अंदर एक वेल मतलब संस्कारी पुरुष मर्यादित पुरुष पुरुषोत्तम जैसे कहते हैं ना मर्यादित जो पुरुषोत्तम हुए वो बनाने में हमें समर्थ रहती है और ये देव और मैं अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ के बता दूं थोड़ा सा बता दीजिए अभी तो क्योंकि फिर वो समय का रहेगा समय बहुत कम है तो ठीक है मैं ऐसे ही बोलती हूँ वर्बली जी जी मूल्य तो हर देश काल परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग होते हैं यदि कहीं युद्ध चल रहा है तो वहाँ सारे सुख और ना वहाँ देशभक्ति प्रधान होगी और यदि कहीं भौतिकवादी था वहाँ प्रकृति प्रधान होगी लेकिन हमारे देश में मिली जुली संस्कृति है और मिले जुले संस्कार है इसलिए यहाँ की मूल्य और नैतिकता भी अलग ही है यहाँ पर हमारे ऊपर सच्चाई ईमानदारी नैतिकता इनके ऊपर बल दिया जाता है और ये सब केवल संस्कृत से ही संभव है अन्यथा संभव नहीं है कि कोई दूसरी भाषा आपको संस्कारित कर सकती हो
और उसके अंदर आधुनिक साहित्य दो मैंने बताए हैं, इसमें मैं खाली इनके दो श्लोक बताऊंगी संस्कृत के, उसके अलावा मैं आगे नहीं बोलूंगी क्योंकि आपके पास समय कम है और मेरे पास बहुत सारी बातें है ना। तो इनका एक संस्कृत सुषमा सप्तशती से, कस्याप्य निष्टम किमपि न चिन्तयति न च करोति संस्कृताविद्, अतः संस्कृतः प्रचारं मन्ये प्रति जन्म मानवस्य आवश्यकम्। एक संस्कृत के व्यक्ति किसी को भी अनिष्ट का न चिंतन करता है और न ही अनिष्ट करता है, अतः मैं प्रत्येक व्यक्ति में संस्कृत के प्रसार को आवश्यक मानता हूँ, ये इनका मान्यता है। और दूसरा है इनका, कार्य कार्य विवेको अधीतः संस्कृत जन्म सदा सर्वता अकार्याद द्रुतम निर्वायम कार्य एव प्रवर्तयते किल। संस्कृत का अध्ययन किए व्यक्ति को कार्य और अकार्य का सदा सर्वदा विवेक होता है, ये बहुत बड़ी बात है जीवन में एक मनुष्य के लिए, और ये विवेक उसको अकार्य और तत्काल अकार्य को तत्काल हटाकर निश्चित रूप से कार्य में प्रवृत्त कर देता है। ये संस्कृत की सबसे बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात है संस्कृत के अंदर हितोपदेश मित्र लाभ है ना और पंचतंत्र, और इन्हों को नैतिक शिक्षा लिखने के लिए ही विशेष रूप से दिल्ली संस्कृत अकादमी से विष्णु शर्मा पुरस्कार मिला और उत्तरांचल से वाल्मीकि पुरस्कार मिला। इन्होंने नैतिकता के ऊपर और व्याकरण के ऊपर विशेष जोर दिया है ना, और आपने 75 वर्ष सिर्फ संस्कृत सेवा में निःशुल्क व्यतीत किए हैं। इनकी इनकी आप जो सूची है पुस्तक सूची वो आप मुझे जरूर भेज दीजिए। बिल्कुल जी जी, मैं उसके लिए ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिरिक्त हमारे साथ प्रोफेसर अविनाश श्रीवास्तव जी जुड़े हैं जो बुद्धिस्ट स्टडीज के हैं, बिहार गया यूनिवर्सिटी से। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी मुझे लगता है शायद MDU यूनिवर्सिटी से हैं हिंदी की, और प्रोफेसर जीवन आशा जी हमारे साथ हैं इस वक्त अभी। और भी जो लोग हैं अगर किसी का कोई सवाल या टिप्पणी है तो वो आप संक्षेप में रखें, उसके बाद फिर हम दोनों पैनलिस्ट के बहुत संक्षेप में जो है वो टिप्पणियां लेंगे और फिर इस कार्यक्रम को धन्यवाद जो है डॉक्टर विनय सिंघल करेंगे। लेट मी एक्सटेंड माय ग्रेटफुलनेस टू बोथ द स्पीकर्स, दे हैव डिलीवर्ड वेल एंड स्पॉटलाइट ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स एंड एज वेल एज पुरुषार्थ एंड सो मेनी थिंग्स हैज अकर्ड हियर। वन थिंग आई वुड लाइक टू एस्पॉट मैंने से दैट वैल्यूज एंड इथिक्स आर ऑल्सो टाइम रिलेटेड कंटेक्स्ट रिलेटेड एंड कल्चर रिलेटेड। नेचुरली विद द राइज ऑफ द टाइम विद द चेंज ऑफ द टाइम ऑफन सम वैल्यूज चेंजेस विद द चेंज ऑफ द प्लेस द इथिक्स ऑल्सो चेंजेस एंड दैट्स वाई द बुद्धा हैज सेड in his Mahaparinibbana Sutta, whenever you feel that these values are not flexible, you will have to mold them in the coming situation. Hum kehte hain ki ahinsa parmo dharma, lekin ek saath wo bhi kaha jata hai vediki hinsa hinsa na bhavati. So ye hame dekhna apekshit hai ki kal sapeksh mulyon ko kis prakar kal ke saath anus mane परिवर्तित होना भी, मैंने परिवर्तित नहीं कर सकता हूँ उसको, जाना भी अपेक्षित हो जाता है और नए सिचुएशंस के साथ नए विचारों के साथ नए मूल्यों का भी सृजन होता है, और इन सारों की सम्यक विवेचना भी मैंने सुना जो मैं बड़ा अनुग्रहित हूँ इन लोगों का। एक बात मैं अभी विस्मरण वैसे हो गया है तो एक बात मुझे आती है उपेक्षा का तात्पर्य, अभी बात हुई थी नमिता निम्बालकर जी ने या किन्हीं ने कहा था उपेक्षा का मतलब है अनदेखा करना। मैं देखता हूँ कि अगर हम गीता के दूसरे अध्याय में देखते हैं तो वो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि से देखना ही उपेक्षा है। सुख दुखैसम एकत्वा लाभा लाभो जयाजयो, और सबों से सम्यक मर्यादा युक्त दूरी बनाए रखना भी उपेक्षा है। तो उपेक्षा का तात्पर्य न है कि किसी चीज का हम अनदेखी करें, हो सकता है कि मुझे सुनने में गलती हो गई हो, तो हमारी मर्यादाओं का पालन भी अपने आप में, मूल्य मर्यादाओं का पालन भी अपने आप में उपेक्षा भावना के अंतर्गत आ जाता है। वो हमें एक सम्यक दूरी रखने को कहते हैं, न किसी के प्रति ज्यादा आग्रह और न किसी के प्रति ज्यादा दुराव की बात आती है। सुख समय कृत्व लाभा लाभ हो जया जो, इन्हीं संक्षिप्त टिप्पणी के साथ में अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। और किसी के कोई टिप्पणी हो या कोई प्रश्न हो, डॉक्टर जयप्रकाश जी अभी आपने सवाल डाला है, बेहतर है अगर आप पूछ ही लें, क्योंकि उसके बाद फिर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दोनों पैनलिस्ट को। धन्यवाद आशुतोष जी। ये सीधे सीधे आप भी बात कर रहे थे और मेरे मन में भी जिज्ञासा है जानने की, मूल्य सीधे सीधे मुझे समझ में नहीं आता वैल्यूज के लिए, तो कौन सा ऐसा शब्द है जो वास्तव में जो अंग्रेजी शब्द वैल्यूज के माध्यम हम कन्वे करना चाहते हैं वो हम बिल्कुल ठीक ठीक कन्वे कर पाए। जी ठीक बात है, आपकी बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ कि या तो मर्यादा या धर्म शब्द हम बीच में क्यों नहीं ला पा रहे और उससे हम बचते क्यों हैं, इस सारे विषय को लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम समय है तो अब दोनों पैनलिस्ट से मेरा निवेदन रहेगा कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो हैं वो अपने दें। पहले डॉक्टर नमिता जी, विल यू लाइक टू मेक कमेंट्स कंक्लूडिंग रिमार्क्स? जी जी सर, लाइक कंक्लूजन में तो मैं यही कहूंगी कि जो भारद्वाज सर ने कहा है और जो बात उन्होंने रखी है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कोर्स है इट इज ऑन द वे टू रियलाइज टू मेक अस रियलाइज द डिविनिटी विच इज प्रेजेंट इन अस, और ये जो डिविनिटी है ये एक लाइक नो इट इज समवेयर व्हेन वी स्पीक अबाउट द डिविनिटी बीइंग प्रेजेंट इन अस इट ऑल्सो मीन्स दैट वी हैव टू रियलाइज दैट वी हैव टू मेक आर ईगो bring our ego to zero. तो जब तक ego आप zero पर नहीं लेकर आ सकते हैं तब तक divinity जो है उसका realization करना मुश्किल हो जाता है। So दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये पाठ्यक्रम में है तो लेकिन I would like to just ask request the teachers that with caution we have to teach this particular paper. कहीं ये ना हो जाए कि बस ये खाना पूर्ति का काम हो जाए और इट्स जस्ट लाइक यू नो वी टीच अ पर्टिकुलर पेपर इन द क्लासरूम और वी आर फोर्स्ड टू टीच अ पर्टिकुलर पेपर इन द क्लासरूम, सो द सैंक्टिटी ऑफ द पेपर शुडंट गेट लॉस्ट इन द एंटायर प्रोसेस विच मीन्स दैट देयर इज अ होल लॉट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस टीचर्स टू सी दैट हाउ वी टेक दिस पर्टिकुलर पेपर एंड उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रीडिंग्स करने की जरूरत रहेगी, उसके लिए सोसाइटी के तरफ जो हमारा देखने का नजरिया है हमारे जो बायसेस हैं उनको भी चैलेंज करने की जरूरत रहेगी और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल होने की भी जरूरत रहेगी, और ये जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस हैं कहीं ना कहीं लाइक नो इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन द क्लासरूम ऑल्सो, सो देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ फ्रीडम टू विच शुड बी गिवन टू द टीचर्स एज वेल एज देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ फ्रीडम टू विच शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स because there is some practical aspect which is there a part of the coursework and lekin freedom ke sath sath fir responsibilities bhi aa jati hain, so a fine balance, a harmonious balance between freedom and responsibility will make a value added course as something which we are intending to and something which is the goal of the introduction of this course is. Ji thank you. Ashwin ek minute, Namita ji aap bilkul sahi keh rahi hain, mere ko क्योंकि पता है यथार्थ है कि बहुत से कॉलेजों में सिर्फ फैकल्टी को एडजस्ट करने के लिए ये पेपर दे दिए गए हैं। सर हमारे यहाँ पर ना मुंबई यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन कोर्स करके एक पेपर है और वो सालों साल से चल रहा है और उसका भी कार्य यही है, लेकिन कुछ टीचर साथ में आकर उसको एक अलग आयाम दिया है, तो रादर देन फोकसिंग ऑन द पिक्चर ऑफ व्हाट अदर्स आर डूइंग if I as a teacher can contribute and I can bring the paper in a very different way, I think so that will act as a guiding factor. बिल्कुल वही है, individual level पे तो फिर भी पूछ जाते हैं कभी कभी कोई बीच में, लेकिन ये है कि फिर जब उनको कहो कि भी अच्छा इसके एक proper हम workshop कर लेते हैं तो फिर उनको लगता है कि ऐसे कैसे तो लेकिन चलो ये human behavior है तो yes. Now over to Dr. Shivani ji. मैं अपने कंक्लूसिव रिमार्क्स में सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का, रविंद्र जी का, भरद्वाज जी का और जयप्रकाश सर ने बड़ा
अच्छा प्रश्न पूछा है और उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं आप लोगों के सिर माथे ही कहूंगी मैं। मूल्य का ट्रांसलेशन मुझे लगता है कि आप जैसे भी करना चाहें, लेकिन जो हमारे यहाँ बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है वो धर्म का है, धर्म से जुड़े हुए और जो आयाम निकल के आते हैं स्वधर्म का, है ना। और मुझे लगता है वो अपने आप में मूल्य ही हैं ये सभी। तो खैर, इस चीज़ के अलावा जो मैं अपने एक कंक्लूसिव रिमार्क के रूप में कहना चाहूँगी कि ऐसे कोर्सेज की आवश्यकता इसलिए है कि मनुष्य को हमेशा ऐसा लगता है एक अवस्था तक कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, और जैसे ही वो अवस्था क्रॉस करता है जहाँ तक उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना चरम पे होता है, फिर उसको ये लगता है कि मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं था। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ये ग्रंथ, हमारे पास बड़े, हमारे पास ऐसे कोर्सेज जो ये दिशा मार्ग हमारा कर, हमारी मार्ग को हमारा प्रशस्त कर सकें, ऐसे वैल्यूज, ऐसी सिस्टम इन प्लेस होना बहुत ज़रूरी है जिससे हम ये समझ सकें कि इसी की बात बार बार क्यों की जाती है। रेपिटेशन जो है, एरिस्टोटल की एक बहुत अच्छी बात है कि हैप्पीनेस के लिए, हैप्पीनेस एक ऐसी अवस्था है जो आपको एक्सीलेंस से प्राप्त होती है, और वो एक्सीलेंस कभी भी ऐसे नहीं मिलती, वो प्रैक्टिस से आती है, रेपिटेशन से आती है, बार बार। वर्च्यू भी वही है, एक्सीलेंस, वर्च्यू का माने ही एक्सीलेंस है। और ये एक्सीलेंस कैसे आता है? रेपिटेशन। आपने एक बहुत अच्छा वहाँ शुरू में बात कही थी स्किल, तो वैल्यू और स्किल में ये अंतर है कि वैल्यू को, वर्च्यू को अपनी जिंदगी में आत्मसात करने के लिए उसका निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। आपको अगर एक अच्छा फुटबॉलर बनना है तो आपको ग्राउंड में जाना ही पड़ेगा, घर बैठे बैठे कुर्सी पे लेक्चर देते हुए, लेक्चर सुनते हुए आप अच्छे फुटबॉलर नहीं बन सकते। तो स्किल जो है वो उसका आधार है। आप बार बार फॉल कीजिए, आप फेल होइए, अपने वर्च्यूज को एक्सरसाइज करते करते हुए वो मंजूर है, लेकिन वर्च्यू को एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें ये मंजूर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसे कोर्सेज भी जो हैं, ये एक सपोर्ट सिस्टम है हमारा जो आने वाली जेनरेशन्स को ये बार बार ध्यान दिलाएंगे कि आपके लिए गोल्स क्या होने चाहिए, बीइंग अ ह्यूमन, ह्यूमैनिटी के ये वैल्यूज क्या होने चाहिए। ये ऐसे कोर्सेज के माध्यम से, ऐसी वर्कशॉप्स के माध्यम से और ऐसे प्रयासों के माध्यम से जो आजकल हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम है आने वाली जेनरेशन्स के लिए और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हम जब पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम उससे प्रभावित हुए बिना लेक्चर देंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी कन्विक्शंस आपके सामने उभर कर बहुत स्पष्ट रूप से आती हैं और वही प्रभावित करती हैं हमारे स्टूडेंट्स को भी। और यही चीज़ मुझे लगता है, ये रेपिटेशन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड वी मस्ट एज टीचर्स, एज स्टूडेंट्स ऑफ फिलोसफी, एज सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन, we must keep practicing those virtues in our lives, doesn't matter if we fail time and again. So that is my message and conclusive remark. Thank you. Thank you so much, Dr. Shivani ji. Ji, Jai Prakash ji. मैं ये कहना चाह रहा था कि एक शब्द मेरे मन में आ रहा था, क्या जो हम कहना चाहते हैं उसके लिए उदात्त मानवीय गुण जी, इस प्रकार के शब्द उचित नहीं है? वो साहित्य का शब्द थोड़ा सा अधिक है, लेकिन इसको सोचा तो जा ही सकता है, लेकिन धर्म तो कहना नहीं, कह नहीं पाएंगे, वो तो कम्युनल हो जाएगा। जी जी, नहीं नहीं वो ठीक है बात, लेकिन जो यथार्थ है, लेकिन इसका एक शब्द बनाना पड़ेगा, उदात्त मानवीय गुण का। तो इसको चलिए देखते हैं। जी चांद भारद्वाज जी और डॉक्टर बिने जी, उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन। जी जी, मैं एक पॉइंट बेसिक में मिस कर गया था। मैं एक तो चाहूंगा कि शिवानी जी का फोन नंबर और नमिता जी का मिले ताकि मैं उनसे कंप्लीट जरूर आपके साथ डिस्कशन उनसे कर सकूं, उनसे गाइडेंस ले सकूं कि किस प्रकार इस फिलॉसफी को हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज में लेके आए, जो कि बेसिस है इंडियन नॉलेज सिस्टम का, जो बेस है
वो साइंटिफिकली अगर बच्चे को एक्सप्लेन हो गया तब उसको इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा और वो इसके बारे में बहुत सारी चीजें जो भी शास्त्रों में आप लोग बयान करेंगे वो समझ पाएगा। एक तो ये विषय, और दूसरा विषय ये कि जो हमें भाषा उतरती है वो परा से उतरती है। महर्षि पाणिनि ने बोला ना परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, तो हमने उसको ऐसे एक्सप्लेन किया कि पश्यन्ति तो ये हमारे सिर वाला हिस्सा है जहाँ सीट ऑफ द सोल, सीट ऑफ द माइंड एंड सीट ऑफ द ब्रेन है। तो भाषा वहां से उतरी और मन को तो पता नहीं था, तो इसने मन ने परमात्मा की जो भाषा, जो प्रेम भरी भाषा उतरी थी उसको इग्नोर कर दिया, बिकॉज इट हैज नेवर बीन टोल्ड कि वहां से भाषा उतरती है। तो मन ने टेक ओवर करके अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष भय चिंता जो जो सस्टेनेबल गुण नहीं है उनसे उसने ब्रेन को ट्रिगर किया हाई टाइड लो टाइड के द्वारा, बिकॉज द यूनिवर्सल माइंड ऑपरेट्स योर माइंड एज पर कर्मा। सो दिस इज हाउ देन इट गोज फर्दर डाउन टू योर सेंट्रल डायफ्राम एंड देन इट मूव्स, यू नो, स्मॉल पफ्स ऑफ एयर गो टू द लंग्स एंड देन द वॉइस कम्स थ्रू योर वाइखरी फ्रॉम योर माउथ। सो the child has to, the student has to be told to hold on, you know, to develop that restraining intelligence before he speaks. Pehle tolo aur phir bolo, kyunki Mahabharat bhi bhasha se hi hua tha. Draupadi ne bol diya andhe ke bacche andhe, to problem ho gaya. So this is how we can put these values into the children. Thank you very much. Sorry to take little more time. Nahin, bilkul theek hai sir, aur aapne bahut badhiya baat ki hai. और ये सारी चर्चाएं होती इसीलिए हैं कि विद्वान विद्वानों से मिले और जो विद्वान नहीं है वो विद्वान विद्वानों से अर्थ और विषय को ग्रहण करें और वो अग्रसर हों। ये सारी कार्यशालाएं, ये सारे वेबिनार हम लोग तो करते ही इसलिए हैं और बड़े स्पष्ट रूप में इसको कहते हैं कि अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए और दृष्टि को सूक्ष्म करने के लिए आप सभी लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं। तो धन्यवाद करने के लिए मैं डॉक्टर विनय जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो धन्यवाद के रूप में मैं सभी कॉलेजेस की ओर से आज के दोनों पैनलिस्ट का, प्रोफेसर डॉक्टर नमिता जी का और प्रोफेसर डॉक्टर शिवानी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और उसके साथ जिन लोगों ने इस सारे विषय को के ऊपर चर्चा की, अपनी राय दी, अपना विषय को एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया, प्रश्न किए, उन सबका भी मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी का, डॉक्टर चांद भारद्वाज जी का, डॉक्टर परमजीत कौर जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर पुष्पा जी, मैडम मीनाक्षी, डॉक्टर मीनाक्षी जी, साक्षी जी और डॉक्टर जयप्रकाश गुप्त जी, प्रोफेसर जीवन आशा मैम, डॉक्टर सरयू शर्मा और सभी मेरे साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बीच में जुड़ते रहे, बीच में अलग होते रहे, शायद यही संसार की गति को वो फॉलो कर रहे थे और यही संसार है कि जुड़ते हैं कहीं पे और फिर कहीं पे अलग हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो वेदांत की माया का है, और तो इसके ऊपर हम फिर दोबारा बात करेंगे। इसका पार्ट टू अभी रहता है जो कि एथिक्स एंड कल्चर के ऊपर, उसको फिर दोबारा टेकअप करेंगे क्योंकि उसके लिए धैर्य भी चाहिए और क्षमता भी चाहिए कि आप विचार करने में कितना सक्षम है। तो उस पार्ट को दोबारा लेंगे और डॉक्टर चांद भारद्वाज जी को और बाकी सब लोगों को दोबारा फिर आमंत्रित करेंगे कि एक नए विषय के ऊपर। तो सर मैं आपके साथ नंबर इन दोनों के लिए शेयर कर दूंगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में इनके साथ साथ डॉक्टर आर के गुप्ता जी को और भी जितने हमारे साथी हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। जी, दैट्स वंडरफुल। एंड शिवानी जी, मैं चाहूंगा कि कोई समय आपका, नमिता जी जो हो, जिस समय में मैं आपसे बात कर सकूं, कंफर्टेबल टाइम, कोई 20-25 मिनट मुझे बात करनी है। सर एनी टाइम, सैटरडे संडे इज अ फ्री, जनरली फ्री। ओके ओके, सेम ओवर हियर सर, एनी टाइम, या फिर आप ये कह लीजिए कि इवनिंग टाइम्स आर फ्री। अच्छा ठीक है जी, जी ठीक है जी। शुक्र है, मैं सोच रहा था कि शायद कहेंगे कि 24/7 इसमें टीचिंग है, नहीं तो फिर ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड थैंक यू आशुतोष जी, एंड थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड फॉर द क्वेश्चंस, क्योंकि जब तक जब सवाल होते हैं तभी और सोचने का मौका मिलता है, तो ये जो प्रश्न मंजूषा है ये हमेशा शुरू रहे, यही कामना है। इसकी रिकॉर्डिंग भी है जी आपके पास में, तो रिकॉर्डिंग जरूर भेजिएगा। जी जी, मैं शेयर करूंगा, शाम तक मैं कर पाऊंगा।
कोशिश करूंगा शाम को कर दूं, नहीं तो कल मॉर्निंग में तो डेफिनेटली कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा प्लीज फॉर्म भर दीजिएगा। जो भी साहिबा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज आप फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, सो ग्रेटफुल टू यू। इट वाज वंडरफुल कैचिंग अप नमिता, and wonderful to speak to Ashutosh ji and listen to Chand ji and again to Ravinder ji and so many others. Yes, yes, absolutely, absolutely. Thank you everyone. Thank you. धन्यवाद जय प्रकाश जी, प्रोफेसर तन्वी जी, आरती सचदेवा जी, सरयू जी एंड जीवन आशा, प्रोफेसर परमजीत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। जी जी जी, प्लीज फॉर्म भर दीजिएगा जिन लोगों ने नहीं भरा। जयप्रकाश जी सर, जी जी जी, अगली बार नेक्स्ट जो सेशन करेंगे उसमें फिर धन्यवाद।